नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, उसका नाम है खुदा हाफिज। और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर, किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। खुदा हाफिज एक 2020 भारतीय हिंदी भाषा की डायरेक्ट टू वीडियो एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे फारूक कबीर द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और पनोरोमा स्टूडियो के तहत कुमार मंगत पाठक और अभिषेक पाठक द्वारा निर्मित है। इसमें विद्युत जामवाल और शिवालिका ओबेरॉय है, जिसमें अनु कपूर कहाँ अहाना कुमरा और शिव पंडित सहायक भूमिकाओं में है। 2007 से 2008 के वित्तीय संकट के दौरान सेट ये फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित है और समीर चौधरी का अनुसरण करती है, जो एक युवक है जो अपने अपहृत पत्नी नरगिस को देह व्यापारियों से चुराने के लिए समय के खिलाफ दौड़ता है। फिल्म का प्रीमियर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 14 अगस्त 2020 को हुआ। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली और दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, जिसमें कलाकारों के प्रदर्शन, एक्शन दृश्य और तकनीकी पहलुओं को प्रशंसा की गई। ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार में एक सफलता थी। नौमान नाम के एक काल्पनिक पूर्व देश में पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए समीर चौधरी ये खुलासा करने के लिए सहमत है कि भारतीय दूतावास के एक अधिकारी मिश्र को उनकी गिरफ्तारी का कारण क्या है। समीर 2007 में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और व्यवसायी है, जिन्हें नरगिस से प्यार हो जाता है और वो उसे शादी कर लेता है। 2008 में एक वित्तीय संकट ने उन दोनों को बेरोजगार कर दिया। 3 महीने बाद उन्हें एक विदेशी भर्ती कंपनी के कर्मचारी नदीम की मदद से नौमान में नौकरी मिल जाती है। नरगिस पहले चली जाती है और समीर अपने दस्तावेजों के आने का इंतजार करने के लिए रुक जाता है। उसके आने के बाद नरगिस घबराहट में समीर को बुलाता है, रोती है कि कोई उसका अपहरण कर रहा है। समीर नैमान की यात्रा करता है, जहां उसकी मुलाकात एक टैक्सी ड्राइवर उस्मान हामिद अली सुराद से होती है। ये उस्मान को नदीम द्वारा दिए गए पते पर ले जाने के लिए कहता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ऐसा कोई पता नहीं। उस्मान समीर को पुलिस स्टेशन ले जाता है, जहां उसे पता चलता है कि नदीम लापता हो गया है। अपने बेचैन स्वभाव के कारण पुलिस की मदद से बाहर हो गए समीर भारतीय दूतावास से संपर्क करता है। वो एक टेलीकॉम कंपनी के कर्मचारी के रूप में पोज देता है और उस व्यक्ति का पता प्राप्त करता है, जिसके फ़ोन से नरगिस ने उससे संपर्क किया था
और ये सिराजी नाम का एक व्यक्ति निकला। समीर और उस्मान को सिराजी के देह व्यापार में शामिल होने के बारे में पता चला है। समीर नरगिस के तलाश में उस्मान के साथ वेश्यालय जाता है और उसे एक में पाता है, लेकिन मालिकों द्वारा उस पर हमला किया जाता है और वो हिंसक वो हो जाता है, पुरुषों को हत्या पर देता है। उसके बाद एक कार का पीछा करता है जो एक दुर्घटना और उसकी गिरफ्तारी के साथ समाप्त होता है। वर्तमान में वापस जैसा कि समीर ने अपनी कहानी सुनाना समाप्त कर दिया है, फैज अबू मालिक के एक नुमानी पुलिस वाले ने उसके संपर्क किया जो उसकी मदद करने का फैसला करते हैं, जिससे अधिकारी नमेता तमेना भी शामिल होते हैं। वे नमैन हवाई अड्डे के सीसीटीवी फुटेज देखते हैं जहां वे नरगिस को एक वैन में प्रवेश करते हुए देखते हैं जो एक अल्जीरियाई मंडलिंग समन्वयक इजटेक होने का खुलासा करता है। इजटेक आदेश देता है कि नरगिस को मार दिया जाए। फेज और नतेम तमेना एक जली हुई लाश के सामने आते हैं और सामने में मानते हैं कि ये नरगिस है। समीर उस पर अपना पड़े पंडित दिखाता है और खबर जाता है। उनके अंतिम संस्कार के बाद उन्हें भारत को मुआवजा और टिकट दिया जाता है। तमेना को पता चलता है कि नरगिस जीवित है और उन्हें जो लाश मिली थी वो एक अलग महिला की है। वो और फैज समीर को एक ये जाने से पहले खोजने की कोशिश करते हैं कि वो कभी फ्लाइट में नहीं चले। अब बदला लेने के लिए समीर भेज बदलकर इजटेक के घर पहुंच जाता है। इजटेक से पहले दोनों हिंसक रूप से लड़ते हैं कि नरगिस जीवित है। फेज और तमेना आते हैं और फेज को इजटेक का सहयोग बताया जाता है। तमेना ने फेज को काफ़ी देर तक अपने बस में कर लिया ताकि समीर को बचने के लिए समय मिल सके। फेज ने तमेना को मार डाला और समीर को फ्रेस कर दिया। एक आगामी पीछा इजटेक को मृत कर देता है। फेज अपने क्राइम पार्टनर इजटेक के बॉस से मिलता है जिसकी तस्वीर एक अंडरकवर पुलिस वाले ने खींची है। कमिश्नर द्वारा अपने विश्वासघात का खुलासा करने से पहले समीर को फेज द्वारा पकड़ लिया जाता है। समीर और फेज के बीच मुठभेड़ होती है जहां समीर फेज को हरा देते हैं। नरगिस और अन्य महिलाओं को मुक्त कर दिया जाता है और तमेना को एक राजकीय अंतिम संस्कार दिया जाता है। फेज अपने अपराधों के लिए फायरिंग दस्ते सामने के रेगिस्तान के बीच एक फाउंड में जागता है। उन्हें उसे गोली मार दी। समीर और नरगिस उस्मान के साथ आखिरी मुलाकात करते हुए विमान से भारत के लिए रवाना होने की तैयारी करते हैं। समीर उस्मान की भारत आने और अपने परिवार से मिलने के लिए आमंत्रित करते हैं क्योंकि वे जाने से पहले इसका अभिवादन करते हैं। फिल्म का प्रीमियर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 14 अगस्त 2020 को हुआ। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली और दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, जिसमें कलाकारों के प्रदर्शन, एक्शन दृश्य और तकनीकी पहलुओं को प्रशंसा की गई। ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार में एक सफलता थी। नौमान नाम के एक काल्पनिक पूर्व देश में पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए समीर चौधरी ये खुलासा करने के लिए सहमत है कि भारतीय दूतावास के एक अधिकारी मिश्र को उनकी गिरफ्तारी का कारण क्या है। समीर 2007 में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और व्यवसायी है जिन्हें नरगिस से प्यार हो जाता है और वो उसे शादी कर लेता है। 2008 में एक वित्तीय संकट ने उन दोनों को बेरोजगार कर दिया। 3 महीने बाद उन्हें एक विदेशी भर्ती कंपनी के कर्मचारी नदीम की मदद से नौमान में नौकरी मिल जाती है। नरगिस पहले चली जाती है और समीर अपने दस्तावेजों के आने का इंतजार करने के लिए रुक जाता है। उसके आने के बाद नरगिस घबराहट में समीर को बुलाता है। रोती है कि कोई उसका अपहरण कर रहा है। समीर नैमान की यात्रा करता है जहां उसकी मुलाकात एक टैक्सी ड्राइवर उस्मान हामिद
अली सुराद से होती है। ये उस्मान को नदीम द्वारा दिए गए पते पर ले जाने के लिए कहता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ऐसा कोई पता नहीं। उस्मान अमीर को पुलिस स्टेशन ले जाता है, जहां उसे पता चलता है कि नदीम लापता हो गया है। अपने बेचैन स्वभाव के कारण पुलिस की मदद से बाहर हो गए समीर भारतीय दूतावास से संपर्क करता है। वो एक टेलीकॉम कंपनी के कर्मचारी के रूप में पोज देता है और उस व्यक्ति का पता प्राप्त करता है जिसके फ़ोन से नरगिस ने उससे संपर्क किया था, और ये सिराजी नाम का एक व्यक्ति निकला। समीर और उस्मान को सिराजी के देह व्यापार में शामिल होने के बारे में पता चला है। समीर नरगिस के तलाश में उस्मान के साथ वेश्यालय जाता है और उसे एक में पाता है, लेकिन मालिकों द्वारा उस पर हमला किया जाता है और वो हिंसक हो जाता है, पुरुषों को हत्या कर देता है। उसके बाद एक कार का पीछा करता है जो एक दुर्घटना और उसकी गिरफ्तारी के साथ समाप्त होता है। वर्तमान में वापस जैसा कि समीर ने अपनी कहानी सुनाना समाप्त कर दिया है, फैज अबू मालिक के एक नुमानी पुलिस वाले ने उसके संपर्क किया जो उसकी मदद करने का फैसला करते हैं, जिससे अधिकारी नमेता तमेना भी शामिल होते हैं। वे नमैन हवाई अड्डे के सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, जहां वे नरगिस को एक वैन में प्रवेश करते हुए देखते हैं जो एक अल्जीरियाई मंडलिंग समन्वयक इजटेक होने का खुलासा करता है। इजटेक आदेश देता है कि नरगिस को मार दिया जाए। फेज और नतेम तमेना एक जली हुई लाश के सामने आते हैं और सामने में मानते हैं कि ये नरगिस है। समीर उस पर अपना बड़े पंडित दिखाता है और खबर जाता है। उनके अंतिम संस्कार के बाद उन्हें भारत को मुआवजा और टिकट दिया जाता है। तमेना को पता चलता है कि नरगिस जीवित है और उन्हें जो लाश मिली थी वो एक अलग महिला की है। वो और फैज समीर को एक ये जानने से पहले खोजने की कोशिश करते हैं कि वो कभी फ्लाइट में नहीं चढ़े। अब बदला लेने के लिए समीर भेज बदलकर इजटेक के घर पहुंच जाता है। इजटेक से पहले दोनों हिंसक रूप से लड़ते हैं कि नरगिस जीवित है। फेज और तमेना आते हैं और फेज को इजटेक का सहयोग बताया जाता है। तमेना ने फेज को काफ़ी देर तक अपने बस में कर लिया ताकि समीर को बचने के लिए समय मिल सके। फेज ने तमेना को मार डाला और समीर को फ्रेश कर दिया। एक आगामी पीछा इजटेक को मृत कर देता है। फेज अपने क्राइम पार्टनर इजटेक के बॉस से मिलता है, जिसकी तस्वीर एक अंडरकवर पुलिस वाले ने खींची है। कमिश्नर द्वारा अपने विश्वासघात का खुलासा करने से पहले समीर को फेज द्वारा पकड़ लिया जाता है। समीर और फेज के बीच मुठभेड़ होती है, जहां समीर फेज को हरा देते हैं। नरगिस और अन्य महिलाओं को मुक्त कर दिया जाता है और तमेना को एक राजकीय अंतिम संस्कार दिया जाता है। फेज अपने अपराधों के लिए फायरिंग दस्ते सामने के रेगिस्तान के बीच एक फाउंड में जागता है। उन्हें उसे गोली मार दी। समीर और नरगिस उस्मान के साथ आखिरी मुलाकात करते हुए विमान से भारत के लिए रवाना होने की तैयारी करते हैं। समीर उस्मान की भारत आने और अपने परिवार से मिलने के लिए आमंत्रित करते हैं, क्योंकि वे जाने से पहले इसका अभिभावत करते हैं। फिल्म का प्रीमियर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 14 अगस्त 2020 को हुआ। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली और दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, जिसमें कलाकारों के प्रदर्शन, एक्शन दृश्य और तकनीकी पहलुओं को प्रशंसा की गई। ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार में एक सफलता थी। नौमान नाम के एक काल्पनिक पूर्व देश में पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए समीर चौधरी ये खुलासा करने के लिए सहमत है कि भारतीय दूतावास के एक अधिकारी मिश्र को उनकी गिरफ्तारी का कारण क्या है। समीर 2007 में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और व्यवसायी है, जिन्हें नरगिस से प्यार हो जाता है और वो उसे शादी कर लेता है। 2008 में एक वित्तीय संकट ने उन दोनों को बेरोजगार कर दिया। 3 महीने बाद उन्हें एक
विदेशी भर्ती कंपनी के कर्मचारी नदीम की मदद से नौमान में नौकरी मिल जाती है। नरगिस पहले चली जाती है और समीर अपने दस्तावेजों के आने का इंतजार करने के लिए रुक जाता है। उसके आने के बाद नरगिस घबराहट में समीर को बुलाता है। रोनी की रोती है कि कोई उसका अपहरण कर रहा है। समीर नैमान की यात्रा करता है जहां उसकी मुलाकात एक टैक्सी ड्राइवर सम्मान उस्मान हामिद अली सुराद से होती है। ये उस्मान को नदीम द्वारा दिए गए पते पर ले जाने के लिए कहता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ऐसा कोई पता नहीं। उस्मान समीर को पुलिस स्टेशन ले जाता है जहां उसे पता चलता है कि नदीम लापता हो गया है। अपने बेचैन स्वभाव के कारण पुलिस की मदद से बाहर हो गए समीर भारतीय दूतावास से संपर्क करता है। वो एक टेलीकॉम कंपनी के कर्मचारी के रूप में पोज देता है और उस व्यक्ति का पता प्राप्त करता है जिसके फ़ोन से नरगिस ने उससे संपर्क किया था, और ये सिराजी नाम का एक व्यक्ति निकला। समीर और उस्मान को सिराजी के देह व्यापार में शामिल होने के बारे में पता चला है। समीर नरगिस के तलाश में उस्मान के साथ वेश्यालय जाता है और उसे एक में पाता है, लेकिन मालिकों द्वारा उस पर हमला किया जाता है और वो हिंसक हो जाता है, पुरुषों को हत्या पर देता है। उसके बाद एक कार का पीछा करता है जो एक दुर्घटना और उसकी गिरफ्तारी के साथ समाप्त होता है। वर्तमान में वापस जैसा कि समीर ने अपनी कहानी सुनाना समाप्त कर दिया है, फैज अबू मालिक के एक नुमानी पुलिस वाले ने उसके संपर्क किया जो उसकी मदद करने का फैसला करते हैं, जिससे अधिकारी नमेता तमेना भी शामिल होते हैं। वे नमैन हवाई अड्डे के सीसीटीवी फुटेज देखते हैं जहां वे नरगिस को एक वैन में प्रवेश करते हुए देखते हैं जो एक अल्जीरियाई मंडलिंग समन्वयक इजटेक होने का खुलासा करता है। इजटेक आदेश देता है कि नरगिस को मार दिया जाए। फेज और नतेम तमेना एक जली हुई लाश के सामने आते हैं और सामने मानते हैं कि ये नरगिस है। समीर उस पर अपना पड़े पंडित दिखाता है और खबर जाता है। उनके अंतिम संस्कार के बाद उन्हें भारत को मुआवजा और टिकट दिया जाता है। तमेना को पता चलता है कि नरगिस जीवित है और उन्हें जो लाश मिली थी वो एक अलग महिला की है। वो और फैज समीर को एक ये जानने से पहले खोजने की कोशिश करते हैं कि वो कभी फ्लाइट में नहीं चढ़े। अब बदला लेने के लिए समीर भेज बदलकर इजटेक के घर पहुंच जाता है। इजटेक से पहले दोनों हिंसक रूप से लड़ते हैं कि नरगिस जीवित है। फेज और तमेना आते हैं और फेज को इजटेक का सहयोग बताया जाता है। तमेना ने फेज को काफ़ी देर तक अपने बस में कर लिया ताकि समीर को बचने के लिए समय मिल सके। फेज ने तमेना को मार डाला और समीर को फ्रेश कर दिया। एक आगामी पीछा इजटेक को मृत देता है। फेज अपने क्राइम पार्टनर इजटेक के बॉस से मिलता है जिसकी तस्वीर एक अंडरकवर पुलिस वाले ने खींची है। कमिश्नर द्वारा अपने विश्वासघात का खुलासा करने से पहले समीर को फेज द्वारा पकड़ लिया जाता है। समीर और फेज के बीच मुठभेड़ होती है जहां समीर फेज को हरा देते हैं। नरगिस और अन्य महिलाओं को मुक्त कर दिया जाता है और तमेना को एक राजकीय अंतिम संस्कार दिया जाता है। फेज अपने अपराधों के लिए फायरिंग दस्ते सामने के रेगिस्तान के बीच एक फाउंड में जागता है। उन्हें उसे गोली मार दी। समीर और नरगिस उस्मान के साथ आखिरी मुलाकात करते हुए विमान से भारत के लिए रवाना होने की तैयारी करते हैं। समीर उस्मान की भारत आने और अपने परिवार से मिलने के लिए आमंत्रित करते हैं क्योंकि वे जाने से पहले इसका अभिवादन करते हैं। फिल्म का प्रीमियर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 14 अगस्त 2020 को हुआ। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली और दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, जिसमें कलाकारों के प्रदर्शन, एक्शन दृश्य और तकनीकी पहलुओं को प्रशंसा की गई। ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार में एक सफलता थी। नौमान नाम के एक काल्पनिक मध्यम
पूर्व देश में पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए समीर चौधरी ये खुलासा करने के लिए सहमत है कि भारतीय दूतावास के एक अधिकारी मिश्र को उनकी गिरफ्तारी का कारण क्या है। समीर 2007 में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और व्यवसायी है जिन्हें नरगिस से प्यार हो जाता है और वो उसे शादी कर लेता है। 2008 में एक वित्तीय संकट ने उन दोनों को बड़ी बेरोजगार कर दिया। 3 महीने बाद उन्हें एक विदेशी भर्ती कंपनी के कर्मचारी नदीम की मदद से नौमान में नौकरी मिल जाती है। नरगिस पहले चली जाती है और समीर अपने दस्तावेजों के आने का इंतजार करने के लिए रुक जाता है। उसके आने के बाद नरगिस घबराहट में समीर को बुलाता है। रोती है कि कोई उसका अपहरण कर रहा है। समीर नेमान की यात्रा करता है जहां उसकी मुलाकात एक टैक्सी ड्राइवर सम्मान उस्मान हामिद अली सुराद से होती है। ये उस्मान को नदीम द्वारा दिए गए पते पर ले जाने के लिए कहता है लेकिन उसे पता चलता है कि ऐसा कई पता नहीं। उस्मान समीर को पुलिस स्टेशन ले जाता है जहां उसे पता चलता है कि नदीम लापता हो गया है। अपने बेचैन स्वभाव के कारण पुलिस की मदद से बाहर हो गए समीर भारतीय दूतावास से संपर्क करता है। वो एक टेलीकॉम कंपनी के कर्मचारी के रूप में पोज देता है और उस व्यक्ति का पता प्राप्त करता है जिसके फ़ोन से नरगिस ने उससे संपर्क किया था और ये सिराजी नाम का एक व्यक्ति निकला। समीर और उस्मान को सिराजी के देहो व्यापार में शामिल होने के बारे में पता चला है। समीर नरगिस के तलाश में उस्मान के साथ वेश्यालय जाता है और उसे एक में पाता है लेकिन मालिकों द्वारा उस पर हमला किया जाता है और वो हिंसक हो जाता है। पुरुषों को हत्या पर देता है। उसके बाद एक कार का पीछा करता है जो एक दुर्घटना और उसकी गिरफ्तारी के साथ समाप्त होता है। वर्तमान में वापस जैसा कि समीर ने अपनी कहानी सुनाना समाप्त कर दिया है। फैज अबू मालिक के एक नुमानी पुलिस वाले ने उसके संपर्क किया जो उसकी मदद करने का फैसला करते हैं जिससे अधिकारी नमेता तमेना भी शामिल होते हैं। वे नमैन हवाई अड्डे के सीसीटीवी फुटेज देखते हैं जहां वे नरगिस को एक वैन में प्रवेश करते हुए देखते हैं जो एक अल्जीरियाई मंडलिंग समन्वयक इजटेक होने का खुलासा करता है। इजटेक आदेश देता है कि नरगिस को मार दिया जाए। फेज और नतेम तमेना एक जली हुई लाश के सामने आते हैं और सामने में मानते हैं कि ये नरगिस है। समीर उस पर अपना पड़े पंडित दिखाता है और खबर जाता है। उनके अंतिम संस्कार के बाद उन्हें भारत को मुआवजा और टिकट दिया जाता है। तमेना को पता चलता है कि नरगिस जीवित है और उन्हें जो लाश मिली थी वो एक अलग महिला की है। वो और फैज समीर को एक ये जानने से पहले खोजने की कोशिश करते हैं कि वो कभी फ्लाइट में नहीं चले। अब बदला लेने के लिए समीर भेज बदलकर इजटेक के घर पहुंच जाता है। इजटेक से पहले दोनों हिंसक रूप से लड़ते हैं कि नरगिस जीवित है। फेज और तमेना आते हैं और फेज को इजटेक का सहयोग बताया जाता है। तमेना ने फेज को काफ़ी देर तक अपने बस में कर लिया ताकि समीर को बचने के लिए समय मिल सके। फेज ने तमेना को मार डाला और समीर को फ्रेश कर दिया। एक आगामी पीछा इजटेक को मृत कर देता है। फेज अपने क्राइम पार्टनर इजटेक के बॉस से मिलता है जिसकी तस्वीर एक अंडरकवर पुलिस वाले ने खींची है। कमिश्नर द्वारा अपने विश्वासघात का खुलासा करने से पहले समीर को फेज द्वारा पकड़ लिया जाता है। समीर और फेज के बीच मुठभेड़ होती है जहां समीर फेज को हरा देते हैं। नरगिस और अन्य महिलाओं को मुक्त कर दिया जाता है और तमेना को एक राजकीय अंतिम संस्कार दिया जाता है। फेज अपने अपराधों के लिए फायरिंग दस्ते सामने के रेगिस्तान के बीच एक फाउंड में जागता है। उन्हें उसे गोली मार दी। समीर और नरगिस उस्मान के साथ आखिरी मुलाकात करते हुए विमान से भारत के लिए रवाना होने की तैयारी करते हैं। समीर उस्मान की भारत
आने और अपने परिवार से मिलने के लिए आमंत्रित करते हैं, क्योंकि वे जाने से पहले इसका अभिवादन करते हैं। फिल्म का प्रीमियर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 14 अगस्त 2020 को हुआ। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली और दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, जिसमें कलाकारों के प्रदर्शन, एक्शन दृश्य और तकनीकी पहलुओं को प्रशंसा की गई। ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार में एक सफलता थी। नौमान नाम के एक काल्पनिक मध्य पूर्व देश में पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए समीर चौधरी ये खुलासा करने के लिए सहमत है कि भारतीय दूतावास के एक अधिकारी मिश्र को उनकी गिरफ्तारी का कारण क्या है। समीर 2007 में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और व्यवसायी है, जिन्हें नरगिस से प्यार हो जाता है और वो उसे शादी कर लेता है। 2008 में एक वित्तीय संकट ने उन दोनों को बेरोजगार कर दिया। 3 महीने बाद उन्हें एक विदेशी भर्ती कंपनी के कर्मचारी नदीम की मदद से नौमान में नौकरी मिल जाती है। नरगिस पहले चली जाती है और समीर अपने दस्तावेजों के आने का इंतजार करने के लिए रुक जाता है। उसके आने के बाद नरगिस घबराहट में समीर को बुलाता है, रोती है कि कोई उसका अपहरण कर रहा है। समीर नैमान की यात्रा करता है, जहां उसकी मुलाकात एक टैक्सी ड्राइवर उस्मान हामिद अली सुराद से होती है। ये उस्मान को नदीम द्वारा दिए गए पते पर ले जाने के लिए कहता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ऐसा कोई पता नहीं। उस्मान समीर को पुलिस स्टेशन ले जाता है, जहां उसे पता चलता है कि नदीम लापता हो गया है। अपने बेचैन स्वभाव के कारण पुलिस की मदद से बाहर हो गए समीर भारतीय दूतावास से संपर्क करता है। वो एक टेलीकॉम कंपनी के कर्मचारी के रूप में पोज देता है और उस व्यक्ति का पता प्राप्त करता है, जिसके फ़ोन से नरगिस ने उससे संपर्क किया था और ये सिराजी नाम का एक व्यक्ति निकला। समीर और उस्मान को सिराजी के देह व्यापार में शामिल होने के बारे में पता चला है। समीर नरगिस के तलाश में उस्मान के साथ वेश्यालय जाता है और उसे एक में पाता है, लेकिन मालिकों द्वारा उस पर हमला किया जाता है और वो हिंसक हो जाता है, पुरुषों को हत्या कर देता है। उसके बाद एक कार का पीछा करता है, जो एक दुर्घटना और उसकी गिरफ्तारी के साथ समाप्त होता है। वर्तमान में वापस, जैसा कि समीर ने अपनी कहानी सुनाना समाप्त कर दिया है, फैज अबू मालिक के एक नुमानी पुलिस वाले ने उसके संपर्क किया, जो उसकी मदद करने का फैसला करते हैं, जिससे अधिकारी तमेना भी शामिल होते हैं। वे नमैन हवाई अड्डे के सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, जहां वे नरगिस को एक वैन में प्रवेश करते हुए देखते हैं, जो एक अल्जीरियाई मंडलिंग समन्वयक इजटेक होने का खुलासा करता है। इजटेक आदेश देता है कि नरगिस को मार दिया जाए। फेज और नतेम तमेना एक जली हुई लाश के सामने आते हैं और सामने में मानते हैं कि ये नरगिस है। समीर उस पर अपना पड़े पंडित दिखाता है और खबर जाता है। उनके अंतिम संस्कार के बाद उन्हें भारत को मुआवजा और टिकट दिया जाता है। तमेना को पता चलता है कि नरगिस जीवित है और उन्हें जो लाश मिली थी वो एक अलग महिला की है। वो और फैज समीर को एक ये जानने के जाने से पहले खोजने की कोशिश करते हैं कि वो कभी फ्लाइट में नहीं चढ़े। अब बदला लेने के लिए समीर भेज बदलकर इजटेक के घर पहुंच जाता है। इजटेक से पहले दोनों हिंसक रूप से लड़ते हैं कि नरगिस जीवित है। फेज और तमेना आते हैं और फेज को इजटेक का सहयोग बताया जाता है। तमेना ने फेज को काफ़ी देर तक अपने बस में कर लिया ताकि समीर को बचने के लिए समय मिल सके। फेज ने तमेना को मार डाला और समीर को फ्रेश कर दिया। एक आगामी पीछा इजटेक को मृत कर देता है। फेज अपने क्राइम पार्टनर इजटेक के बॉस से मिलता है, जिसकी तस्वीर एक अंडरकवर पुलिस वाले ने खींची है। कमिश्नर द्वारा अपने विश्वासघात का खुलासा करने से पहले समीर को फेज द्वारा पकड़ लिया जाता है। समीर और फेज के
बीच मुठभेड़ होती है जहां समीर फेज को हरा देते हैं। नरगिस और अन्य महिलाओं को मुक्त कर दिया जाता है और नवतमेना को एक राजकीय अंतिम संस्कार दिया जाता है। फेज अपने अपराधों के लिए फायरिंग के दस्ते सामने के रेगिस्तान के बीच एक फाउंड में जागता है। उन्हें उसे गोली मार दी। समीर और नरगिस उस्मान के साथ आखिरी मुलाकात करते हुए विमान से भारत के लिए रवाना होने की तैयारी करते हैं। समीर उस्मान की भारत आने और अपने परिवार से मिलने के लिए आमंत्रित करते हैं, क्योंकि वे जाने से पहले इसका अभिभावत करते हैं। फिल्म का प्रीमियर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 14 अगस्त 2020 को हुआ। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली और दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, जिसमें कलाकारों के प्रदर्शन, एक्शन दृश्य और तकनीकी पहलुओं को प्रशंसा की गई। ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार में एक सफलता थी। नौमान नाम के एक काल्पनिक पूर्व देश में पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए समीर चौधरी ये खुलासा करने के लिए सहमत है कि भारतीय दूतावास के एक अधिकारी मिश्र को उनकी गिरफ्तारी का कारण क्या है। समीर 2007 में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और व्यवसायी है, जिन्हें नरगिस से प्यार हो जाता है और वो उससे शादी कर लेता है। 2008 में एक वित्तीय संकट ने उन दोनों को बेरोजगार कर दिया। 3 महीने बाद उन्हें एक विदेशी भर्ती कंपनी के कर्मचारी नदीम की मदद से नौमान में नौकरी मिल जाती है। नरगिस से पहले चली जाती है और समीर अपने दस्तावेजों के आने का इंतजार करने के लिए रुक जाता है। उसके आने के बाद नरगिस घबराहट में समीर को बुलाता है। रोती है कि कोई उसका अपहरण कर रहा है। समीर नैमान की यात्रा करता है, जहां उसकी मुलाकात एक टैक्सी ड्राइवर उस्मान हामिद अली सुराद से होती है। ये उस्मान को नदीम द्वारा दिए गए पते पर ले जाने के लिए कहता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ऐसा कोई पता नहीं। उस्मान समीर को पुलिस स्टेशन ले जाता है, जहां उसे पता चलता है कि नदीम लापता हो गया है। अपने बेचैन स्वभाव के कारण पुलिस की मदद से बाहर खो गए समीर भारतीय दूतावास से संपर्क करता है। वो एक टेलीकॉम कंपनी के कर्मचारी के रूप में पोज देता है और उस व्यक्ति का पता प्राप्त करता है, जिसके फ़ोन से नरगिस ने उससे संपर्क किया था। और ये सिराजी नाम का एक व्यक्ति निकला। समीर और उस्मान को सिराजी के देह व्यापार में शामिल होने के बारे में पता चला है। समीर नरगिस के तलाश में उस्मान के साथ वेश्यालय जाता है और उसे एक में पाता है, लेकिन मालिकों द्वारा उस पर हमला किया जाता है और वो हिंसक वो हो जाता है, पुरुषों को हत्या पर देता है। उसके बाद एक कार का पीछा करता है, जो एक दुर्घटना और उसकी गिरफ्तारी के साथ समाप्त होता है। वर्तमान में वापस, जैसा कि समीर ने अपनी कहानी सुनाना समाप्त कर दिया है, फैज अबू मालिक के एक नुमानी पुलिस वाले ने उसके संपर्क किया, जो उसकी मदद करने का फैसला करते हैं, जिससे अधिकारी तमेना भी शामिल होते हैं। वे नमैन हवाई अड्डे के सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, जहां वे नरगिस को एक वैन में प्रवेश करते हुए देखते हैं, जो एक अल्जीरियाई मंडलिंग समन्वयक इजटेक होने का खुलासा करता है। इजटेक आदेश देता है कि नरगिस को मार दिया जाए। फेज और नतेम तमेना एक जली हुई लाश के सामने आते हैं और सामने में मानते हैं कि ये नरगिस है। समीर उस पर अपना बड़े पंडित दिखाता है और खबर जाता है। उनके अंतिम संस्कार के बाद उन्हें भारत को मुआवजा और टिकट दिया जाता है। तमेना को पता चलता है कि नरगिस जीवित है और उन्हें जो लाश मिली थी वो एक अलग महिला की है। वो और फैज समीर को एक ये जानने से पहले खोजने की कोशिश करते हैं कि वो कभी फ्लाइट में नहीं चले। अब बदला लेने के लिए समीर भेज बदलकर इजटेक के घर पहुंच जाता है। इजटेक से पहले दोनों हिंसक रूप से लड़ते हैं कि नरगिस जीवित है। फेज और तमेना आते हैं और फेज को इजटेक का सहयोग बताया जाता है। नमेना
तमेना ने फैज को काफ़ी देर तक अपने बस में कर लिया ताकि समीर को बचने के लिए समय मिल सके। फैज ने तमेना को मार डाला और समीर को फ्रेश कर दिया। एक आगामी पीछा इजटेक को मृत देता है। फैज अपने क्राइम पार्टनर इजटेक के बॉस से मिलता है जिसकी तस्वीर एक अंडरकवर पुलिस वाले ने खींची है। कमिश्नर द्वारा अपने विश्वासघात का खुलासा करने से पहले समीर को फैज द्वारा पकड़ लिया जाता है। समीर और फैज के बीच मुठभेड़ होती है जहां समीर फैज को हरा देते हैं। नरगिस और अन्य महिलाओं को मुक्त कर दिया जाता है और तमेना को एक राजकीय अंतिम संस्कार दिया जाता है। फैज अपने अपराधों के लिए फायरिंग दस्ते सामने के रेगिस्तान के बीच एक फाउंड में जागता है। उन्हें उसे गोली मार दी। समीर और नरगिस उस्मान के साथ आखिरी मुलाकात करते हुए विमान से भारत के लिए रवाना होने की तैयारी करते हैं। समीर उस्मान की भारत आने और अपने परिवार से मिलने के लिए आमंत्रित करते हैं क्योंकि वे जाने से पहले इसका अभिवादन करते हैं। फिल्म का प्रीमियर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 14 अगस्त 2020 को हुआ। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली और दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली जिसमें कलाकारों के प्रदर्शन, एक्शन दृश्य और तकनीकी पहलुओं को प्रशंसा की गई। यह डिज्नी प्लस हॉटस्टार में एक सफलता थी। नौमान नाम के एक काल्पनिक मध्य पूर्व देश में पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए समीर चौधरी ये खुलासा करने के लिए सहमत है कि भारतीय दूतावास के एक अधिकारी मिश्र को उनकी गिरफ्तारी का कारण क्या है। समीर 2007 में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और व्यवसायी है जिन्हें नरगिस से प्यार हो जाता है और वो उसे शादी कर लेता है। 2008 में एक वित्तीय संकट ने उन दोनों को बेरोजगार कर दिया। 3 महीने बाद उन्हें एक विदेशी भर्ती कंपनी के कर्मचारी नदीम की मदद से नौमान में नौकरी मिल जाती है। नरगिस से पहले चली जाती है और समीर अपने दस्तावेजों के आने का इंतजार करने के लिए रुक जाता है। उसके आने के बाद नरगिस घबराहट में समीर को बुलाता है। रोती है कि कोई उसका अपहरण कर रहा है। समीर नेमान की यात्रा करता है जहां उसकी मुलाकात एक टैक्सी ड्राइवर उस्मान हामिद अली सुराद से होती है। ये उस्मान को नदीम द्वारा दिए गए पते पर ले जाने के लिए कहता है लेकिन उसे पता चलता है कि ऐसा कई पता नहीं। उस्मान समीर को पुलिस स्टेशन ले जाता है जहां उसे पता चलता है कि नदीम लापता हो गया है। अपने बेचैन स्वभाव के कारण पुलिस की मदद से बाहर हो गए समीर भारतीय दूतावास से संपर्क करता है। वो एक टेलीकॉम कंपनी के कर्मचारी के रूप में पोज देता है और उस व्यक्ति का पता प्राप्त करता है जिसके फ़ोन से नरगिस ने उससे संपर्क किया था और ये सिराजी नाम का एक व्यक्ति निकला। समीर और उस्मान को सिराजी के देह व्यापार में शामिल होने के बारे में पता चला है। समीर नरगिस के तलाश में उस्मान के साथ वेश्यालय जाता है और उसे एक में पाता है लेकिन मालिकों द्वारा उस पर हमला किया जाता है और वो हिंसक वो हो जाता है। पुरुषों को हत्या पर देता है। उसके बाद एक कार का पीछा करता है जो एक दुर्घटना और उसकी गिरफ्तारी के साथ समाप्त होता है। वर्तमान में वापस जैसा कि समीर ने अपनी कहानी सुनाना समाप्त कर दिया है। फैज अबू मालिक के एक नुमानी पुलिस वाले ने उसके संपर्क किया जो उसकी मदद करने का फैसला करते हैं जिससे अधिकारी नमेता तमेना भी शामिल होते हैं। वे नमैन हवाई अड्डे के सीसीटीवी फुटेज देखते हैं जहां वे नरगिस को एक वैन में प्रवेश करते हुए देखते हैं जो एक अल्जीरियाई मंडलिंग समन्वयक इजटेक होने का खुलासा करता है। इजटेक आदेश देता है कि नरगिस को मार दिया जाए। फेज और नतेम तमेना एक जली हुई लाश के सामने आते हैं और सामने में मानते हैं कि ये नरगिस है। समीर उस पर अपना बड़े पंडित दिखाता है और खबर जाता है। उनके अंतिम संस्कार के बाद उन्हें भारत को मुआवजा और टिकट दिया जाता है। दमेता
तमेना को पता चलता है कि नरगिस जीवित है और उन्हें जो लाश मिली थी वो एक अलग महिला की है। वो और फैज समीर को एक ये जानने से पहले खोजने की कोशिश करते हैं कि वो कभी फ्लाइट में नहीं चले। अब बदला लेने के लिए समीर भेज बदलकर इजटेक के घर पहुंच जाता है। इजटेक से पहले दोनों हिंसक रूप से लड़ते हैं कि नरगिस जीवित है। फैज और तमेना आते हैं और फैज को इजटेक का सहयोग बताया जाता है। तमेना ने फैज को काफ़ी देर तक अपने बस में कर लिया ताकि समीर को बचने के लिए समय मिल सके। फैज ने तमेना को मार डाला और समीर को फ्रेश कर दिया। एक आगामी पीछा इजटेक को मृत देता है। फैज अपने क्राइम पार्टनर इजटेक के बॉस से मिलता है जिसकी तस्वीर एक अंडरकवर पुलिस वाले ने खींची है। कमिश्नर द्वारा अपने विश्वासघात का खुलासा करने से पहले समीर को फैज द्वारा पकड़ लिया जाता है। समीर और फैज के बीच मुठभेड़ होती है जहां समीर फैज को हरा देते हैं। नरगिस और अन्य महिलाओं को मुक्त कर दिया जाता है और तमेना को एक राजकीय अंतिम संस्कार दिया जाता है। फैज अपने अपराधों के लिए फायरिंग दस्ते सामने के रेगिस्तान के बीच एक फाउंड में जागता है। उसे गोली मार दी। समीर और नरगिस उस्मान के साथ आखिरी मुलाकात करते हुए विमान से भारत के लिए रवाना होने की तैयारी करते हैं। समीर उस्मान की भारत आने और अपने परिवार से मिलने के लिए आमंत्रित करते हैं क्योंकि वे जाने से पहले इसका अभिवादन करते हैं। फिल्म का प्रीमियर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 14 अगस्त 2020 को हुआ। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली और दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली जिसमें कलाकारों के प्रदर्शन, एक्शन दृश्य और तकनीकी पहलुओं को प्रशंसा की गई। ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार में एक सफलता थी। नौमान नाम के एक काल्पनिक पूर्व देश में पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए समीर चौधरी ये खुलासा करने के लिए सहमत है कि भारतीय दूतावास के एक अधिकारी मिश्र को उनकी गिरफ्तारी का कारण क्या है। समीर 2007 में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और व्यवसायी है जिन्हें नरगिस से प्यार हो जाता है और वो उसे शादी कर लेता है। 2008 में एक वित्तीय संकट ने उन दोनों को बेरोजगार कर दिया। 3 महीने बाद उन्हें एक विदेशी भर्ती कंपनी के कर्मचारी नदीम की मदद से नौमान में नौकरी मिल जाती है। नरगिस पहले चली जाती है और समीर अपने दस्तावेजों के आने का इंतजार करने के लिए रुक जाता है। उसके आने के बाद नरगिस घबराहट में समीर को बुलाता है। रोती है कि कोई उसका अपहरण कर रहा है। समीर नेमान की यात्रा करता है जहां उसकी मुलाकात एक टैक्सी ड्राइवर उस्मान हामिद अली सुराद से होती है। ये उस्मान को नदीम द्वारा दिए गए पते पर ले जाने के लिए कहता है लेकिन उसे पता चलता है कि ऐसा कई पता नहीं। उस्मान समीर को पुलिस स्टेशन ले जाता है जहां उसे पता चलता है कि नदीम लापता हो गया है। अपने बेचैन स्वभाव के कारण पुलिस की मदद से बाहर हो गए समीर भारतीय दूतावास से संपर्क करता है। वो एक टेलीकॉम कंपनी के कर्मचारी के रूप में पोज देता है और उस व्यक्ति का पता प्राप्त करता है जिसके फ़ोन से नरगिस ने उससे संपर्क किया था और ये सिराजी नाम का एक व्यक्ति निकला। समीर और उस्मान को सिराजी के देह व्यापार में शामिल होने के बारे में पता चला है। समीर नरगिस के तलाश में उस्मान के साथ वेश्यालय जाता है और उसे एक में पाता है लेकिन मालिकों द्वारा उस पर हमला किया जाता है और वो हिंसक को हो जाता है। पुरुषों को हत्या पर देता है। उसके बाद एक कार का पीछा करता है जो एक दुर्घटना और उसकी गिरफ्तारी के साथ समाप्त होता है। वर्तमान में वापस जैसा कि समीर ने अपनी कहानी सुनाना समाप्त कर दिया है। फैज अबू मालिक के एक नुमानी पुलिस वाले ने उसके संपर्क किया जो उसकी मदद करने का फैसला करते हैं जिससे अधिकारी नमेता तमेना भी शामिल होते हैं। वे नमैन हवाई अड्डे के सीसीटीवी फुटेज देखते हैं जहां वे नरगिस को एक वैन में प्रवेश करते हुए देखते हैं जो एक
अल्जीरियाई मंडली समन्वयक इजटेक होने का खुलासा करता है। इजटेक आदेश देता है कि नरगिस को मार दिया जाए। फेज और नतेम तमेना एक जली हुई लाश के सामने आते हैं और सामने में मानते हैं कि ये नरगिस है। समीर उस पर अपना पड़े पंडित दिखाता है और खबर जाता है। उनके अंतिम संस्कार के बाद उन्हें भारत को मुआवजा और टिकट दिया जाता है। तमेना को पता चलता है कि नरगिस जीवित है और उन्हें जो लाश मिली थी वो एक अलग महिला की है। वो और फैज समीर को एक ये जाने से पहले खोजने की कोशिश करते हैं कि वो कभी फ्लाइट में नहीं चढ़े। अब बदला लेने के लिए समीर भेज बदलकर इजटेक के घर पहुंच जाता है। इजटेक से पहले दोनों हिंसक रूप से लड़ते हैं कि नरगिस जीवित है। फेज और तमेना आते हैं और फेज को इजटेक का सहयोग बताया जाता है। तमेना ने फेज को काफ़ी देर तक अपने बस में कर लिया ताकि समीर को बचने के लिए समय मिल सके। फेज ने तमेना को मार डाला और समीर को फ्रेश कर दिया। एक आगामी पीछा इजटेक को मृत कर देता है। फेज अपने क्राइम पार्टनर इजटेक के बॉस से मिलता है जिसकी तस्वीर एक अंडरकवर पुलिस वाले ने खींची है। कमिश्नर द्वारा अपने विश्वासघात का खुलासा करने से पहले समीर को फेज द्वारा पकड़ लिया जाता है। समीर और फेज के बीच मुठभेड़ होती है जहां समीर फेज को हरा देते हैं। नरगिस और अन्य महिलाओं को मुक्त कर दिया जाता है और नवतमेना को एक राजकीय अंतिम संस्कार दिया जाता है। फेज अपने अपराधों के लिए फायरिंग दस्ते सामने के रेगिस्तान के बीच एक फाउंड में जागता है। उन्हें उसे गोली मार दी। समीर और नरगिस उस्मान के साथ आखिरी मुलाकात करते हैं। विमान से भारत के लिए रवाना होने की तैयारी करते हैं। समीर उस्मान की भारत आने और अपने परिवार से मिलने के लिए आमंत्रित करते हैं क्योंकि वे जाने से पहले इसका अभिभावत करते हैं। फिल्म का प्रीमियर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 14 अगस्त 2020 को हुआ। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली और दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली जिसमें कलाकारों के प्रदर्शन, एक्शन दृश्य और तकनीकी पहलुओं को प्रशंसा की गई। ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार में एक सफलता थी। नौमान नाम के एक काल्पनिक पूर्व देश में पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए समीर चौधरी ये खुलासा करने के लिए सहमत है कि भारतीय दूतावास के एक अधिकारी मिश्र को उनकी गिरफ्तारी का कारण क्या है। समीर 2007 में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और व्यवसायी है जिन्हें नरगिस से प्यार हो जाता है और वो उससे शादी कर लेता है। 2008 में एक वित्तीय संकट ने उन दोनों को बेरोजगार कर दिया। 3 महीने बाद उन्हें एक विदेशी भर्ती कंपनी के कर्मचारी नदीम की मदद से नौमान में नौकरी मिल जाती है। नरगिस पहले चली जाती है और समीर अपने दस्तावेजों के आने का इंतजार करने के लिए रुक जाता है। उसके आने के बाद नरगिस घबराहट में समीर को बुलाता है। रोनी रोती है कि कोई उसका अपहरण कर रहा है। समीर नेमान की यात्रा करता है जहां उसकी मुलाकात एक टैक्सी ड्राइवर उस्मान हामिद अली सुराद से होती है। ये उस्मान को नदीम द्वारा दिए गए पते पर ले जाने के लिए कहता है लेकिन उसे पता चलता है कि ऐसा कोई पता नहीं। उस्मान समीर को पुलिस स्टेशन ले जाता है जहां उसे पता चलता है कि नदीम लापता हो गया है। अपने बेचैन स्वभाव के कारण पुलिस की मदद से बाहर हो गए समीर भारतीय दूतावास से संपर्क करता है। वो एक टेलीकॉम कंपनी के कर्मचारी के रूप में पोज देता है और उस व्यक्ति का पता प्राप्त करता है जिसके फ़ोन से नरगिस ने उससे संपर्क किया था और ये सिराजी नाम का एक व्यक्ति निकला। समीर और उस्मान को सिराजी के देह व्यापार में शामिल होने के बारे में पता चला है।
समीर नरगिस के तलाश में उस्मान के साथ वेश्यालय जाता है और उसे एक में पाता है, लेकिन मालिकों द्वारा उस पर हमला किया जाता है और वो हिंसक हो जाता है, पुरुषों को हत्या पर देता है। उसके बाद एक कार का पीछा करता है जो एक दुर्घटना और उसकी गिरफ्तारी के साथ समाप्त होता है। वर्तमान में वापस जैसा कि समीर ने अपनी कहानी सुनाना समाप्त कर दिया है, फैज अबू मालिक के एक नुमानी पुलिस वाले ने उसके संपर्क किया जो उसकी मदद करने का फैसला करते हैं, जिससे अधिकारी नमेता तमेना भी शामिल होते हैं। वे नमैन हवाई अड्डे के सीसीटीवी फुटेज देखते हैं जहां वे नरगिस को एक वैन में प्रवेश करते हुए देखते हैं जो एक अल्जीरियाई मंडलिंग समन्वयक इजटेक होने का खुलासा करता है। इजटेक आदेश देता है कि नरगिस को मार दिया जाए। फेज और नतेम तमेना एक जली हुई लाश के सामने आते हैं और सामने में मानते हैं कि ये नरगिस है। समीर उस पर अपना पड़े पंडित दिखाता है और खबर जाता है। उनके अंतिम संस्कार के बाद उन्हें भारत को मुआवजा और टिकट दिया जाता है। तमेना को पता चलता है कि नरगिस जीवित है और उन्हें जो लाश मिली थी वो एक अलग महिला की है। वो और फैज समीर को एक ये जानने से पहले खोजने की कोशिश करते हैं कि वो कभी फ्लाइट में नहीं चले। अब बदला लेने के लिए समीर भेज बदलकर इजटेक के घर पहुंच जाता है। इजटेक से पहले दोनों शीर्षक रूप से लड़ते हैं कि नरगिस जीवित है। फेज और तमेना आते हैं और फेज को इजटेक का सहयोग बताया जाता है। तमेना ने फेज को काफ़ी देर तक अपने बस में कर लिया ताकि समीर को बचने के लिए समय मिल सके। फेज ने तमेना को मार डाला और समीर को फ्रेश कर दिया। एक आगामी पीछा इजटेक को मृत देता है। फेज अपने क्राइम पार्टनर इजटेक के बॉस से मिलता है जिसकी तस्वीर एक अंडरकवर पुलिस वाले ने खींची है। कमिश्नर द्वारा अपने विश्वासघात का खुलासा करने से पहले समीर को फेज द्वारा पकड़ लिया जाता है। समीर और फेज के बीच मुठभेड़ होती है जहां समीर फेज को हरा देते हैं। नरगिस और अन्य महिलाओं को मुक्त कर दिया जाता है और तमेना को एक राजकीय अंतिम संस्कार दिया जाता है। फेज अपने अपराधों के लिए फायरिंग दस्ते सामने के रेगिस्तान के बीच एक फाउंड में जागता है। उन्हें उसे गोली मार दी। समीर और नरगिस उस्मान के साथ आखिरी मुलाकात करते हैं। विमान से भारत के लिए रवाना होने की तैयारी करते हैं। समीर उस्मान की भारत आने और अपने परिवार से मिलने के लिए आमंत्रित करते हैं क्योंकि वे जाने से पहले इसका अभिभावत करते हैं। फिल्म का प्रीमियर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 14 अगस्त 2020 को हुआ। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली और दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, जिसमें कलाकारों के प्रदर्शन, एक्शन दृश्य और तकनीकी पहलुओं को प्रशंसा की गई। ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार में एक सफलता थी। नौमान नाम के एक काल्पनिक मध्य पूर्व देश में पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए समीर चौधरी ये खुलासा करने के लिए सहमत है कि भारतीय दूतावास के एक अधिकारी मिश्र को उनकी गिरफ्तारी का कारण क्या है। समीर 2007 में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और व्यवसायी है जिन्हें नरगिस से प्यार हो जाता है और वो उसे शादी कर लेता है। 2008 में एक वित्तीय संकट ने उन दोनों को बेरोजगार कर दिया। 3 महीने बाद उन्हें एक विदेशी भर्ती कंपनी के कर्मचारी नदीम की मदद से नौमान में नौकरी मिल जाती है। नरगिस पहले चली जाती है और समीर अपने दस्तावेजों के आने का इंतजार करने के लिए रुक जाता है। उसके आने के बाद नरगिस घबराहट में समीर को बुलाता है। रोती है कि कोई उसका अपहरण कर रहा है। समीर नैमान की यात्रा करता है जहां उसकी मुलाकात एक टैक्सी ड्राइवर उस्मान हामिद अली सुराद से होती है। ये उस्मान को नदीम द्वारा दिए गए पते पर ले जाने के लिए कहता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ऐसा कोई पता नहीं। उस्मान समीर को
पुलिस स्टेशन ले जाता है, जहां उसे पता चलता है कि नदीम लापता हो गया है। अपने बेचैन स्वभाव के कारण पुलिस की मदद से बाहर हो गए समीर भारतीय दूतावास से संपर्क करता है। वो एक टेलीकॉम कंपनी के कर्मचारी के रूप में पोज देता है और उस व्यक्ति का पता प्राप्त करता है जिसके फ़ोन से नरगिस ने उससे संपर्क किया था, और ये सिराजी नाम का एक व्यक्ति निकला। समीर और उस्मान को सिराजी के देह व्यापार में शामिल होने के बारे में पता चला है। समीर नरगिस के तलाश में उस्मान के साथ वेश्यालय जाता है और उसे एक में पाता है, लेकिन मालिकों द्वारा उस पर हमला किया जाता है और वो हिंसक हो जाता है, पुरुषों को हत्या पर देता है। उसके बाद एक कार का पीछा करता है जो एक दुर्घटना और उसकी गिरफ्तारी के साथ समाप्त होता है। वर्तमान में वापस, जैसा कि समीर ने अपनी कहानी सुनाना समाप्त कर दिया है, फैज अबू मालिक के एक नुमानी पुलिस वाले ने उसके संपर्क किया जो उसकी मदद करने का फैसला करते हैं, जिससे अधिकारी नमेता तमेना भी शामिल होते हैं। वे नमैन हवाई अड्डे के सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, जहां वे नरगिस को एक वैन में प्रवेश करते हुए देखते हैं जो एक अल्जीरियाई मंडलिंग समन्वयक इजटेक होने का खुलासा करता है। इजटेक आदेश देता है कि नरगिस को मार दिया जाए। फेज और नतेम तमेना एक जली हुई लाश के सामने आते हैं और सामने में मानते हैं कि ये नरगिस है। समीर उस पर अपना पंडित दिखाता है और खबर जाता है। उनके अंतिम संस्कार के बाद उन्हें भारत को मुआवजा और टिकट दिया जाता है। तमेना को पता चलता है कि नरगिस जीवित है और उन्हें जो लाश मिली थी वो एक अलग महिला की है। वो और फैज समीर को एक ये जानने से पहले खोजने की कोशिश करते हैं कि वो कभी फ्लाइट में नहीं चढ़े। अब बदला लेने के लिए समीर भेज बदलकर इजटेक के घर पहुंच जाता है। इजटेक से पहले दोनों शिक्षक रूप से लगते हैं कि नरगिस जीवित है। फेज और तमेना आते हैं और फेज को इजटेक का सहयोग बताया जाता है। तमेना ने फेज को काफ़ी देर तक अपने बस में कर लिया ताकि समीर को बचने के लिए समय मिल सके। फेज ने तमेना को मार डाला और समीर को प्रेस कर दिया। एक आगामी पीछा इजटेक को मृत देता है। फेज अपने क्राइम पार्टनर इजटेक के बॉस से मिलता है, जिसकी तस्वीर एक अंडरकवर पुलिस वाले ने खींची है। कमिश्नर द्वारा अपने विश्वासघात का खुलासा करने से पहले समीर को फेज द्वारा पकड़ लिया जाता है। समीर और फेज के बीच मुठभेड़ होती है, जहां समीर फेज को हरा देते हैं। नरगिस और अन्य महिलाओं को मुक्त कर दिया जाता है और तमेना को एक राजकीय अंतिम संस्कार दिया जाता है। फेज अपने अपराधों के लिए फायरिंग दस्ते सामने के रेगिस्तान के बीच एक फाउंड में जागता है। उन्हें उसे गोली मार दी। समीर और नरगिस उस्मान के साथ आखिरी मुलाकात करते हुए विमान से भारत के लिए रवाना होने की तैयारी करते हैं। समीर उस्मान की भारत आने और अपने परिवार से मिलने के लिए आमंत्रित करते हैं, क्योंकि वे जाने से पहले इसका अभिवादन करते हैं। फिल्म का प्रीमियर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 14 अगस्त 2020 को हुआ। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली और दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, जिसमें कलाकारों के प्रदर्शन, एक्शन दृश्य और तकनीकी पहलुओं को प्रशंसा की गई। ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार में एक सफलता थी। नौमान नाम के एक काल्पनिक पूर्व देश में पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए समीर चौधरी ये खुलासा करने के लिए सहमत है कि भारतीय दूतावास के एक अधिकारी मिश्र को उनकी गिरफ्तारी का कारण क्या है। समीर 2007 में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और व्यवसायी है, जिन्हें नरगिस से प्यार हो जाता है और वो उसे शादी कर लेता है। 2008 में एक वित्तीय संकट ने उन दोनों को बेरोजगार कर दिया। 3 महीने बाद उन्हें एक विदेशी भर्ती कंपनी के कर्मचारी नदीम की
मदद से नौमान में नौकरी मिल जाती है। नरगिस पहले चली जाती है और समीर अपने दस्तावेजों के आने का इंतजार करने के लिए रुक जाता है। उसके आने के बाद नरगिस घबराहट में समीर को बुलाता है। रोनी की रोती है कि कोई उसका अपहरण कर रहा है। समीर नैमान की यात्रा करता है जहां उसकी मुलाकात एक टैक्सी ड्राइवर सम्मान उस्मान हामिद अली सुराद से होती है। ये उस्मान को नदीम द्वारा दिए गए पते पर ले जाने के लिए कहता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ऐसा कई पता नहीं। उस्मान समीर को पुलिस स्टेशन ले जाता है जहां उसे पता चलता है कि नदीम लापता हो गया है। अपने बेचैन स्वभाव के कारण पुलिस की मदद से बाहर खो गए समीर भारतीय दूतावास से संपर्क करता है। वो एक टेलीकॉम कंपनी के कर्मचारी के रूप में पोज देता है और उस व्यक्ति का पता प्राप्त करता है जिसके फ़ोन से नरगिस ने उससे संपर्क किया था, और ये सिराजी नाम का एक व्यक्ति निकला। समीर और उस्मान को सिराजी के देह व्यापार में शामिल होने के बारे में पता चला है। समीर नरगिस के तलाश में उस्मान के साथ वेश्यालय जाता है और उसे एक में पाता है, लेकिन मालिकों द्वारा उस पर हमला किया जाता है और वो हिंसक हो जाता है, पुरुषों को हत्या पर देता है। उसके बाद एक कार का पीछा करता है जो एक दुर्घटना और उसकी गिरफ्तारी के साथ समाप्त होता है। वर्तमान में वापस जैसा कि समीर ने अपनी कहानी सुनाना समाप्त कर दिया है, फैज अबू मालिक के एक नुमानी पुलिस वाले ने उसके संपर्क किया जो उसकी मदद करने का फैसला करते हैं, जिससे अधिकारी नमेता तमेना भी शामिल होते हैं। वे नमैन हवाई अड्डे के सीसीटीवी फुटेज देखते हैं जहां वे नरगिस को एक वैन में प्रवेश करते हुए देखते हैं जो एक अल्जीरियाई मंडलिंग समन्वयक इजटेक होने का खुलासा करता है। इजटेक आदेश देता है कि नरगिस को मार दिया जाए। फेज और नतेम तमेना एक जली हुई लाश के सामने आते हैं और सामने मानते हैं कि ये नरगिस है। समीर उस पर अपना पड़े पंडित दिखाता है और खबर जाता है। उनके अंतिम संस्कार के बाद उन्हें भारत को मुआवजा और टिकट दिया जाता है। तमेना को पता चलता है कि नरगिस जीवित है और उन्हें जो लाश मिली थी वो एक अलग महिला की है। वो और फैज समीर को एक ये जाने से पहले खोजने की कोशिश करते हैं कि वो कभी फ्लाइट में नहीं चढ़े। अब बदला लेने के लिए समीर भेज बदलकर इजटेक के घर पहुंच जाता है। इजटेक से पहले दोनों शिक्षक रूप से लड़ते हैं कि नरगिस जीवित है। फेज और तमेना आते हैं और फेज को इजटेक का सहयोग बताया जाता है। तमेना ने फेज को काफ़ी देर तक अपने बस में कर लिया ताकि समीर को बचने के लिए समय मिल सके। फेज ने तमेना को मार डाला और समीर को फ्रेश कर दिया। एक आगामी पीछा इजटेक को मृत देता है। फेज अपने क्राइम पार्टनर इजटेक के बॉस से मिलता है जिसकी तस्वीर एक अंडरकवर पुलिस वाले ने खींची है। कमिश्नर द्वारा अपने विश्वासघात का खुलासा करने से पहले समीर को फेज द्वारा पकड़ लिया जाता है। समीर और फेज के बीच मुठभेड़ होती है जहां समीर फेज को हरा देते हैं। नरगिस और अन्य महिलाओं को मुक्त कर दिया जाता है और तमेना को एक राजकीय अंतिम संस्कार दिया जाता है। फेज अपने अपराधों के लिए फायरिंग दस्ते सामने के रेगिस्तान के बीच एक फाउंड में जागता है। उसे गोली मार दी। समीर और नरगिस उस्मान के साथ आखिरी मुलाकात करते हुए विमान से भारत के लिए रवाना होने की तैयारी करते हैं। समीर उस्मान की भारत आने और अपने परिवार से मिलने के लिए आमंत्रित करते हैं क्योंकि वे जाने से पहले इसका अभिभावत करते हैं। फिल्म का प्रीमियर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 14 अगस्त 2020 को हुआ। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली और दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, जिसमें कलाकारों के प्रदर्शन, एक्शन दृश्य और तकनीकी पहलुओं को प्रशंसा की गई। ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार में एक सफलता थी। नौमान नाम के एक काल्पनिक मध्यम वर्ग
पूर्व देश में पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए समीर चौधरी ये खुलासा करने के लिए सहमत है कि भारतीय दूतावास के एक अधिकारी मिश्र को उनकी गिरफ्तारी का कारण क्या है। समीर 2007 में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और व्यवसायी है जिन्हें नरगिस से प्यार हो जाता है और वो उसे शादी कर लेता है। 2008 में एक वित्तीय संकट ने उन दोनों को बेरोजगार कर दिया। 3 महीने बाद उन्हें एक विदेशी भर्ती कंपनी के कर्मचारी नदीम की मदद से नौमान में नौकरी मिल जाती है। नरगिस पहले चली जाती है और समीर अपने दस्तावेजों के आने का इंतजार करने के लिए रुक जाता है। उसके आने के बाद नरगिस घबराहट में समीर को बुलाता है। रोती है कि कोई उसका अपहरण कर रहा है। समीर नेमान की यात्रा करता है जहां उसकी मुलाकात एक टैक्सी ड्राइवर सम्मान उस्मान हामिद अली सुराद से होती है। ये उस्मान को नदीम द्वारा दिए गए पते पर ले जाने के लिए कहता है लेकिन उसे पता चलता है कि ऐसा कई पता नहीं। उस्मान समीर को पुलिस स्टेशन ले जाता है जहां उसे पता चलता है कि नदीम लापता हो गया है। अपने बेचैन स्वभाव के कारण पुलिस की मदद से बाहर हो गए समीर भारतीय दूतावास से संपर्क करता है। वो एक टेलीकॉम कंपनी के कर्मचारी के रूप में पोज देता है और उस व्यक्ति का पता प्राप्त करता है जिसके फ़ोन से नरगिस ने उससे संपर्क किया था और ये सिराजी नाम का एक व्यक्ति निकला। समीर और उस्मान को सिराजी के देह व्यापार में शामिल होने के बारे में पता चला है। समीर नरगिस के तलाश में उस्मान के साथ वेश्यालय जाता है और उसे एक में पाता है लेकिन मालिकों द्वारा उस पर हमला किया जाता है और वो हिंसक वो हो जाता है। पुरुषों को हत्या पर देता है। उसके बाद एक कार का पीछा करता है जो एक दुर्घटना और उसकी गिरफ्तारी के साथ समाप्त होता है। वर्तमान में वापस जैसा कि समीर ने अपनी कहानी सुनाना समाप्त कर दिया है। फैज अबू मालिक के एक नुमानी पुलिस वाले ने उसके संपर्क किया जो उसकी मदद करने का फैसला करते हैं जिससे अधिकारी नमेता तमेना भी शामिल होते हैं। वे नमैन हवाई अड्डे के सीसीटीवी फुटेज देखते हैं जहां वे नरगिस को एक वैन में प्रवेश करते हुए देखते हैं जो एक अल्जीरियाई मंडलिंग समन्वयक इजटेक होने का खुलासा करता है। इजटेक आदेश देता है कि नरगिस को मार दिया जाए। फेज और नतेम तमेना एक जली हुई लाश के सामने आते हैं और सामने में मानते हैं कि ये नरगिस है। समीर उस पर अपना बड़े पंडित दिखाता है और खबर जाता है। उनके अंतिम संस्कार के बाद उन्हें भारत को मुआवजा और टिकट दिया जाता है। तमेना को पता चलता है कि नरगिस जीवित है और उन्हें जो लाश मिली थी वो एक अलग महिला की है। वो और फैज समीर को एक ये जाने से पहले खोजने की कोशिश करते हैं कि वो कभी फ्लाइट में नहीं चढ़े। अब बदला लेने के लिए समीर भेज बदलकर इजटेक के घर पहुंच जाता है। इजटेक से पहले दोनों हिंसक रूप से लड़ते हैं कि नरगिस जीवित है। फेज और तमेना आते हैं और फेज को इजटेक का सहयोग बताया जाता है। तमेना ने फेज को काफ़ी देर तक अपने बस में कर लिया ताकि समीर को बचने के लिए समय मिल सके। फेज ने तमेना को मार डाला और समीर को फ्रेज कर दिया। एक आगामी पीछा इजटेक वो मृतों कर देता है। फेज अपने क्राइम पार्टनर इजटेक के बॉस से मिलता है जिसकी तस्वीर एक अंडरकवर पुलिस वाले ने खींची है। कमिश्नर द्वारा अपने विश्वासघात का खुलासा करने से पहले समीर को फेज द्वारा पकड़ लिया जाता है। समीर और फेज के बीच मुठभेड़ होती है जहां समीर फेज को हरा देते हैं। नरगिस और अन्य महिलाओं को मुक्त कर दिया जाता है और तमेना को एक राजकीय अंतिम संस्कार दिया जाता है। फेज अपने अपराधों के लिए फायरिंग दस्ते सामने के रेगिस्तान के बीच एक फाउंड में जागता है। उन्हें उसे गोली मार दी। समीर और नरगिस उस्मान के साथ आखिरी मुलाकात करते हुए विमान से भारत के लिए रवाना होने की तैयारी करते हैं। समीर उस्मान की भारत
आने और अपने परिवार से मिलने के लिए आमंत्रित करते हैं, क्योंकि वे जाने से पहले इसका अभिवादन करते हैं। फिल्म का प्रीमियर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 14 अगस्त 2020 को हुआ। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली और दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, जिसमें कलाकारों के प्रदर्शन, एक्शन दृश्य और तकनीकी पहलुओं को प्रशंसा की गई। ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार में एक सफलता थी। नौमान नाम के एक काल्पनिक मध्य पूर्व देश में पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए समीर चौधरी ये खुलासा करने के लिए सहमत है कि भारतीय दूतावास के एक अधिकारी मिश्र को उनकी गिरफ्तारी का कारण क्या है। समीर 2007 में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और व्यवसायी है, जिन्हें नरगिस से प्यार हो जाता है और वो उसे शादी कर लेता है। 2008 में एक वित्तीय संकट ने उन दोनों को बेरोजगार कर दिया। 3 महीने बाद उन्हें एक विदेशी भर्ती कंपनी के कर्मचारी नदीम की मदद से नौमान में नौकरी मिल जाती है। नरगिस पहले चली जाती है और समीर अपने दस्तावेजों के आने का इंतजार करने के लिए रुक जाता है। उसके आने के बाद नरगिस घबराहट में समीर को बुलाता है, रोती है कि कोई उसका अपहरण कर रहा है। समीर नैमान की यात्रा करता है, जहां उसकी मुलाकात एक टैक्सी ड्राइवर उस्मान हामिद अली सुराद से होती है। ये उस्मान को नदीम द्वारा दिए गए पते पर ले जाने के लिए कहता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ऐसा कोई पता नहीं। उस्मान समीर को पुलिस स्टेशन ले जाता है, जहां उसे पता चलता है कि नदीम लापता हो गया है। अपने बेचैन स्वभाव के कारण पुलिस की मदद से बाहर हो गए समीर भारतीय दूतावास से संपर्क करता है। वो एक टेलीकॉम कंपनी के कर्मचारी के रूप में पोज देता है और उस व्यक्ति का पता प्राप्त करता है, जिसके फ़ोन से नरगिस ने उससे संपर्क किया था और ये सिराजी नाम का एक व्यक्ति निकला। समीर और उस्मान को सिराजी के देह व्यापार में शामिल होने के बारे में पता चला है। समीर नरगिस के तलाश में उस्मान के साथ वेश्यालय जाता है और उसे एक में पाता है, लेकिन मालिकों द्वारा उस पर हमला किया जाता है और वो हिंसक हो जाता है, पुरुषों को हत्या कर देता है। उसके बाद एक कार का पीछा करता है, जो एक दुर्घटना और उसकी गिरफ्तारी के साथ समाप्त होता है। वर्तमान में वापस, जैसा कि समीर ने अपनी कहानी सुनाना समाप्त कर दिया है, फैज अबू मालिक के एक नुमानी पुलिस वाले ने उसके संपर्क किया, जो उसकी मदद करने का फैसला करते हैं, जिससे अधिकारी नमेता तमेना भी शामिल होते हैं। वे नमैन हवाई अड्डे के सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, जहां वे नरगिस को एक वैन में प्रवेश करते हुए देखते हैं, जो एक अल्जीरियाई मंडलिंग समन्वयक इजटेक होने का खुलासा करता है। इजटेक आदेश देता है कि नरगिस को मार दिया जाए। फेज और नतेम तमेना एक जली हुई लाश के सामने आते हैं और सामने में मानते हैं कि ये नरगिस है। समीर उस पर अपना बड़े पंडित दिखाता है और खबर जाता है। उनके अंतिम संस्कार के बाद उन्हें भारत को मुआवजा और टिकट दिया जाता है। तमेना को पता चलता है कि नरगिस जीवित है और उन्हें जो लाश मिली थी वो एक अलग महिला की है। वो और फैज समीर को जानने से पहले खोजने की कोशिश करते हैं कि वो कभी फ्लाइट में नहीं चले। अब बदला लेने के लिए समीर भेज बदलकर इजटेक के घर पहुंच जाता है। इजटेक से पहले दोनों हिंसक रूप से लड़ते हैं कि नरगिस जीवित है। फेज और तमेना आते हैं और फेज को इजटेक का सहयोग बताया जाता है। तमेना ने फेज को काफ़ी देर तक अपने बस में कर लिया ताकि समीर को बचने के लिए समय मिल सके। फेज ने तमेना को मार डाला और समीर को फ्रेश कर दिया। एक आगामी पीछा इजटेक को मृत कर देता है। फेज अपने क्राइम पार्टनर इजटेक के बॉस
से मिलता है, जिसकी तस्वीर एक अंडरकवर पुलिस वाले ने खींची है। कमिश्नर द्वारा अपने विश्वासघात का खुलासा करने से पहले समीर को फेज द्वारा पकड़ लिया जाता है। समीर और फेज के बीच मुठभेड़ होती है, जहां समीर फेज को हरा देते हैं। नरगिस और अन्य महिलाओं को मुक्त कर दिया जाता है और नवतमेना को एक राजकीय अंतिम संस्कार दिया जाता है। फेज अपने अपराधों के लिए फायरिंग दस्ते सामने के रेगिस्तान के बीच एक फाउंड में जागता है, उन्हें उसे गोली मार दी। समीर और नरगिस उस्मान के साथ आखिरी मुलाकात करते हैं, विमान से भारत के लिए रवाना होने की तैयारी करते हैं। समीर उस्मान की भारत आने और अपने परिवार से मिलने के लिए आमंत्रित करते हैं, क्योंकि वे जाने से पहले इसका अभिभावत करते हैं। फिल्म का प्रीमियर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 14 अगस्त 2020 को हुआ। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली और दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, जिसमें कलाकारों के प्रदर्शन, एक्शन दृश्य और तकनीकी पहलुओं को प्रशंसा की गई। ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार में एक सफलता थी। नौमान नाम के एक काल्पनिक पूर्व देश में पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए समीर चौधरी ये खुलासा करने के लिए सहमत है कि भारतीय दूतावास के एक अधिकारी मिश्र को उनकी गिरफ्तारी का कारण क्या है। समीर 2007 में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और व्यवसायी है, जिन्हें नरगिस से प्यार हो जाता है और वो उसे शादी कर लेता है। 2008 में एक वित्तीय संकट ने उन दोनों को बेरोजगार कर दिया। 3 महीने बाद उन्हें एक विदेशी भर्ती कंपनी के कर्मचारी नदीम की मदद से नौमान में नौकरी मिल जाती है। नरगिस पहले चली जाती है और समीर अपने दस्तावेजों के आने का इंतजार करने के लिए रुक जाता है। उसके आने के बाद नरगिस घबराहट में समीर को बुलाता है। रोती है कि कोई उसका अपहरण कर रहा है। समीर नैमान की यात्रा करता है, जहां उसकी मुलाकात एक टैक्सी ड्राइवर सम्मान उस्मान हामिद अली सुराद से होती है। ये उस्मान को नदीम द्वारा दिए गए पते पर ले जाने के लिए कहता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ऐसा कोई पता नहीं। उस्मान समीर को पुलिस स्टेशन ले जाता है, जहां उसे पता चलता है कि नदीम लापता हो गया है। अपने बेचैन स्वभाव के कारण पुलिस की मदद से बाहर हो गए समीर भारतीय दूतावास से संपर्क करता है। वो एक टेलीकॉम कंपनी के कर्मचारी के रूप में पोज देता है और उस व्यक्ति का पता प्राप्त करता है, जिसके फोन से नरगिस ने उससे संपर्क किया था और ये सिराजी नाम का एक व्यक्ति निकला। समीर और उस्मान को सिराजी के देह व्यापार में शामिल होने के बारे में पता चला है। समीर नरगिस के तलाश में उस्मान के साथ वेश्यालय जाता है और उसे एक में पाता है, लेकिन मालिकों द्वारा उस पर हमला किया जाता है और वो हिंसक हो जाता है, पुरुषों को हत्या पर देता है। उसके बाद एक कार का पीछा करता है, जो एक दुर्घटना और उसकी गिरफ्तारी के साथ समाप्त होता है। वर्तमान में वापस जैसा कि समीर ने अपनी कहानी सुनाना समाप्त कर दिया है। फैज अबू मालिक के एक नुमानी पुलिस वाले ने उसके संपर्क किया, जो उसकी मदद करने का फैसला करते हैं, जिससे अधिकारी नमेता तमेना भी शामिल होते हैं। वे नमैन हवाई अड्डे के सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, जहां वे नरगिस को एक वैन में प्रवेश करते हुए देखते हैं, जो एक अल्जीरियाई मंडलिंग समन्वयक इजटेक होने का खुलासा करता है। इजटेक आदेश देता है कि नरगिस को मार दिया जाए। फेज और नतेम तमेना एक जली हुई लाश के सामने आते हैं और सामने मानते हैं कि ये नरगिस है। समीर उस पर अपना पंडित दिखाता है और खबर जाता है। उनके अंतिम संस्कार के बाद उन्हें भारत को मुआवजा और टिकट दिया जाता है। तमेना को पता चलता है कि नरगिस जीवित है और उन्हें जो लाश मिली थी वो एक अलग महिला की है। वो और फैज समीर को एक ये जाने से पहले खोजने की कोशिश करते हैं कि वो कभी फ्लाइट में नहीं चले। अब बदला लेने के लिए समीर भेज बदलकर इजटेक के घर पहुंच जाता है। इजटेक से पहले दोनों हिंसक रूप से लड़ते हैं कि नरगिस जीवित है। फेज और नमेना
तमन्ना आते हैं और फेज को इज्डे का सहयोग बताया जाता है। तमन्ना ने फेज को काफ़ी देर तक अपने बस में कर लिया ताकि समीर को बचने के लिए समय मिल सके। फेज ने तमन्ना को मार डाला और समीर को फ्रेश कर दिया। एक आगामी पीछा इज्टेक को मृत देता है। फेज अपने क्राइम पार्टनर इज्टेक के बॉस से मिलता है जिसकी तस्वीर एक अंडरकवर पुलिस वाले ने खींची है। कमिश्नर द्वारा अपने विश्वासघात का खुलासा करने से पहले समीर को फेज द्वारा पकड़ लिया जाता है। समीर और फेज के बीच मुठभेड़ होती है जहां समीर फेज को हरा देते हैं। नरगिस और अन्य महिलाओं को मुक्त कर दिया जाता है और तमन्ना को एक राजकीय अंतिम संस्कार दिया जाता है। फेज अपने अपराधों के लिए फायरिंग दस्ते सामने के रेगिस्तान के बीच एक फाउंड में जागता है। उन्हें उसे गोली मार दी। समीर और नरगिस उस्मान के साथ आखिरी मुलाकात करते हैं। विमान से भारत के लिए रवाना होने की तैयारी करते हैं। समीर उस्मान की भारत आने और अपने परिवार से मिलने के लिए आमंत्रित करते हैं क्योंकि वे जाने से पहले इसका अभिभावक करते हैं। फिल्म का प्रीमियर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 14 अगस्त 2020 को हुआ। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली और दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली जिसमें कलाकारों के प्रदर्शन, एक्शन दृश्य और तकनीकी पहलुओं को प्रशंसा की गई। ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार में एक सफलता थी। नौमान नाम के एक काल्पनिक पूर्व देश में पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए समीर चौधरी ये खुलासा करने के लिए सहमत है कि भारतीय दूतावास के एक अधिकारी मिश्र को उनकी गिरफ्तारी का कारण क्या है। समीर 2007 में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और व्यवसायी है जिन्हें नरगिस से प्यार हो जाता है और वो उसे शादी कर लेता है। 2008 में एक वित्तीय संकट ने उन दोनों को बेरोजगार कर दिया। 3 महीने बाद उन्हें एक विदेशी भर्ती कंपनी के कर्मचारी नदीम की मदद से नौमान में नौकरी मिल जाती है। नरगिस पहले चली जाती है और समीर अपने दस्तावेजों के आने का इंतजार करने के लिए रुक जाता है। उसके आने के बाद नरगिस घबराहट में समीर को बुलाता है। रोती है कि कोई उसका अपहरण कर रहा है। समीर नेमान की यात्रा करता है जहां उसकी मुलाकात एक टैक्सी ड्राइवर उस्मान हामिद अली सुराद से होती है। ये उस्मान को नदीम द्वारा दिए गए पते पर ले जाने के लिए कहता है लेकिन उसे पता चलता है कि ऐसा कई पता नहीं। उस्मान समीर को पुलिस स्टेशन ले जाता है जहां उसे पता चलता है कि नदीम लापता हो गया है। अपने बेचैन स्वभाव के कारण पुलिस की मदद से बाहर हो गए समीर भारतीय दूतावास से संपर्क करता है। वो एक टेलीकॉम कंपनी के कर्मचारी के रूप में पोज देता है और उस व्यक्ति का पता प्राप्त करता है जिसके फ़ोन से नरगिस ने उससे संपर्क किया था और ये सिराजी नाम का एक व्यक्ति निकला। समीर और उस्मान को सिराजी के देह व्यापार में शामिल होने के बारे में पता चला है। समीर नरगिस के तलाश में उस्मान के साथ वेश्यालय जाता है और उसे एक में पाता है लेकिन मालिकों द्वारा उस पर हमला किया जाता है और वो हिंसक हो जाता है। पुरुषों को हत्या पर देता है। उसके बाद एक कार का पीछा करता है जो एक दुर्घटना और उसकी गिरफ्तारी के साथ समाप्त होता है। वर्तमान में वापस जैसा कि समीर ने अपनी कहानी सुनाना समाप्त कर दिया है। फैज अबू मालिक के एक नुमानी पुलिस वाले ने उसके संपर्क किया जो उसकी मदद करने का फैसला करते हैं जिससे अधिकारी नमेता तमन्ना भी शामिल होते हैं। वे नमैन हवाई अड्डे के सीसीटीवी फुटेज देखते हैं जहां वे नरगिस को एक वैन में प्रवेश करते हुए देखते हैं जो एक अल्जीरियाई मंडलिंग समन्वयक इज्टेक होने का खुलासा करता है। इज्टेक आदेश देता है कि नरगिस को मार दिया जाए। फेज और नतेम तमन्ना एक जली हुई लाश के सामने आते हैं और सामने में मानते हैं कि ये नरगिस है। समीर उस पर अपना बड़े पंडित दिखाता है और खबर जाता है। उनके अंतिम संस्कार के बाद उन्हें भारत को मुआवजा और टिकट दिया जाता है। दमेता
तमेना को पता चलता है कि नरगिस जीवित है और उन्हें जो लाश मिली थी वो एक अलग महिला की है। वो और फैज समीर को एक ये जाने से पहले खोजने की कोशिश करते हैं कि वो कभी फ्लाइट में नहीं चले। अब बदला लेने के लिए समीर भेज बदलकर इस्टेक के घर पहुंच जाता है। इस्टेक से पहले दोनों शीर्षक रूप से लड़ते हैं कि नरगिस जीवित है। फैज और तमेना आते हैं और फैज को इस्टेक का सहयोग बताया जाता है। तमेना ने फैज को काफ़ी देर तक अपने बस में कर लिया ताकि समीर को बचने के लिए समय मिल सके। फैज ने तमेना को मार डाला और समीर को फ्रेश कर दिया। एक आगामी पीछा इस्टेक को मृत कर देता है। फैज अपने क्राइम पार्टनर इस्टेक के बॉस से मिलता है जिसकी तस्वीर एक अंडरकवर पुलिस वाले ने खींची है। कमिश्नर द्वारा अपने विश्वासघात का खुलासा करने से पहले समीर को फैज द्वारा पकड़ लिया जाता है। समीर और फैज के बीच मुठभेड़ होती है जहां समीर फैज को हरा देते हैं। नरगिस और अन्य महिलाओं को मुक्त कर दिया जाता है और तमेना को एक राजकीय अंतिम संस्कार दिया जाता है। फैज अपने अपराधों के लिए फायरिंग दस्ते सामने के रेगिस्तान के बीच एक फाउंड में जागता है। उन्हें उसे गोली मार दी। समीर और नरगिस उस्मान के साथ आखिरी मुलाकात करते हुए विमान से भारत के लिए रवाना होने की तैयारी करते हैं। समीर उस्मान की भारत आने और अपने परिवार से मिलने के लिए आमंत्रित करते हैं क्योंकि वे जाने से पहले इसका अभिभावक करते हैं। फिल्म का प्रीमियर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 14 अगस्त 2020 को हुआ। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली और दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली जिसमें कलाकारों के प्रदर्शन, एक्शन दृश्य और तकनीकी पहलुओं को प्रशंसा की गई। ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार में एक सफलता थी। नौमान नाम के एक काल्पनिक पूर्व देश में पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए समीर चौधरी ये खुलासा करने के लिए सहमत है कि भारतीय दूतावास के एक अधिकारी मिश्र को उनकी गिरफ्तारी का कारण क्या है। समीर 2007 में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और व्यवसायी है जिन्हें नरगिस से प्यार हो जाता है और वो उससे शादी कर लेता है। 2008 में एक वित्तीय संकट ने उन दोनों को बेरोजगार कर दिया। 3 महीने बाद उन्हें एक विदेशी भर्ती कंपनी के कर्मचारी नदीम की मदद से नौमान में नौकरी मिल जाती है। नरगिस पहले चली जाती है और समीर अपने दस्तावेजों के आने का इंतजार करने के लिए रुक जाता है। उसके आने के बाद नरगिस घबराहट में समीर को बुलाता है। रोती है कि कोई उसका अपहरण कर रहा है। समीर नेमान की यात्रा करता है जहां उसकी मुलाकात एक टैक्सी ड्राइवर उस्मान हामिद अली सुराद से होती है। ये उस्मान को नदीम द्वारा दिए गए पते पर ले जाने के लिए कहता है लेकिन उसे पता चलता है कि ऐसा कई पता नहीं। उस्मान समीर को पुलिस स्टेशन ले जाता है जहां उसे पता चलता है कि नदीम लापता हो गया है। अपने बेचैन स्वभाव के कारण पुलिस की मदद से बाहर हो गए समीर भारतीय दूतावास से संपर्क करता है। वो एक टेलीकॉम कंपनी के कर्मचारी के रूप में पोज देता है और उस व्यक्ति का पता प्राप्त करता है जिसके फ़ोन से नरगिस ने उससे संपर्क किया था और ये सिराजी नाम का एक व्यक्ति निकला। समीर और उस्मान को सिराजी के देह व्यापार में शामिल होने के बारे में पता चला है। समीर नरगिस के तलाश में उस्मान के साथ वेश्यालय जाता है और उसे एक में पाता है लेकिन मालिकों द्वारा उस पर हमला किया जाता है और वो हिंसक हो जाता है। पुरुषों को हत्या पर देता है। उसके बाद एक कार का पीछा करता है जो एक दुर्घटना और उसकी गिरफ्तारी के साथ समाप्त होता है। वर्तमान में वापस जैसा कि समीर ने अपनी कहानी सुनाना समाप्त कर दिया है। फैज अबू मालिक के एक नुमानी पुलिस वाले ने उसके संपर्क किया जो उसकी मदद करने का फैसला करते हैं जिससे अधिकारी तमेना भी शामिल होते हैं। वे नमैन हवाई अड्डे के सीसीटीवी फुटेज देखते हैं जहां वे नरगिस को एक वैन में प्रवेश करते हुए देखते हैं जो एक अल्जीरियन अल्जीरियाई
मंडलिंग समन्वयक इजटेक होने का खुलासा करता है। इजटेक आदेश देता है कि नरगिस को मार दिया जाए। फेज और नतेम तमेना एक जली हुई लाश के सामने आते हैं और सामने में मानते हैं कि ये नरगिस है। समीर उस पर अपना बड़े पंडित दिखाता है और खबर जाता है। उनके अंतिम संस्कार के बाद उन्हें भारत को मुआवजा और टिकट दिया जाता है। तमेना को पता चलता है कि नरगिस जीवित है और उन्हें जो लाश मिली थी वो एक अलग महिला की है। वो और फैज समीर को एक ये जानने से पहले खोजने की कोशिश करते हैं कि वो कभी फ्लाइट में नहीं चढ़े। अब बदला लेने के लिए समीर भेज बदलकर इजटेक के घर पहुंच जाता है। इजटेक से पहले दोनों हिंसक रूप से लड़ते हैं कि नरगिस जीवित है। फेज और तमेना आते हैं और फेज को इजटेक का सहयोग बताया जाता है। तमेना ने फेज को काफ़ी देर तक अपने बस में कर लिया ताकि समीर को बचने के लिए समय मिल सके। फेज ने तमेना को मार डाला और समीर को प्रेस कर दिया। एक आगामी पीछा इजटेक को मृत देता है। फेज अपने क्राइम पार्टनर इजटेक के बॉस से मिलता है, जिसकी तस्वीर एक अंडरकवर पुलिस वाले ने खींची है। कमिश्नर द्वारा अपने विश्वासघात का खुलासा करने से पहले समीर को फेज द्वारा पकड़ लिया जाता है। समीर और फेज के बीच मुठभेड़ होती है, जहां समीर फेज को हरा देते हैं। नरगिस और अन्य महिलाओं को मुक्त कर दिया जाता है और तमेना को एक राजकीय अंतिम संस्कार दिया जाता है। फेज अपने अपराधों के लिए फायरिंग दस्ते सामने के रेगिस्तान के बीच एक फाउंड में जागता है। उन्हें उसे गोली मार दी। समीर और नरगिस उस्मान के साथ आखिरी मुलाकात करते हुए विमान से भारत के लिए रवाना होने की तैयारी करते हैं। समीर उस्मान की भारत आने और अपने परिवार से मिलने के लिए आमंत्रित करते हैं, क्योंकि वे जाने से पहले इसका अभिभावक करते हैं। फिल्म का प्रीमियर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 14 अगस्त 2020 को हुआ। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली और दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, जिसमें कलाकारों के प्रदर्शन, एक्शन दृश्य और तकनीकी पहलुओं को प्रशंसा की गई। ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार में एक सफलता थी। नौमान नाम के एक काल्पनिक पूर्व देश में पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए समीर चौधरी ये खुलासा करने के लिए सहमत है कि भारतीय दूतावास के एक अधिकारी मिश्र को उनकी गिरफ्तारी का कारण क्या है। समीर 2007 में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और व्यवसायी है, जिन्हें नरगिस से प्यार हो जाता है और वो उसे शादी कर लेता है। 2008 में एक वित्तीय संकट ने उन दोनों को बेरोजगार कर दिया। 3 महीने बाद उन्हें एक विदेशी भर्ती कंपनी के कर्मचारी नदीम की मदद से नौमान में नौकरी मिल जाती है। नरगिस पहले चली जाती है और समीर अपने दस्तावेजों के आने का इंतजार करने के लिए रुक जाता है। उसके आने के बाद नरगिस घबराहट में समीर को बुलाता है। रोती है कि कोई उसका अपहरण कर रहा है। समीर नैमान की यात्रा करता है, जहां उसकी मुलाकात एक टैक्सी ड्राइवर उस्मान हामिद अली सुराद से होती है। ये उस्मान को नदीम द्वारा दिए गए पते पर ले जाने के लिए कहता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ऐसा कोई पता नहीं। उस्मान समीर को पुलिस स्टेशन ले जाता है, जहां उसे पता चलता है कि नदीम लापता हो गया है। अपने बेचैन स्वभाव के कारण पुलिस की मदद से बाहर हो गए समीर भारतीय दूतावास से संपर्क करता है। वो एक टेलीकॉम कंपनी के कर्मचारी के रूप में पोज देता है और उस व्यक्ति का पता प्राप्त करता है, जिसके फ़ोन से नरगिस ने उससे संपर्क किया था और ये सिराजी नाम का एक व्यक्ति निकला। समीर और उस्मान को सिराजी के देह व्यापार में शामिल होने के बारे में पता चला है। समीर नरगिस के तलाश में उस्मान के साथ वेश्यालय जाता है और उसे एक में पाता है, लेकिन मालिकों द्वारा उस पर हमला किया जाता है और वो हिंसक हो जाता है, पुरुषों को हत्या कर देता है। उसके बाद एक कार का पीछा करता है, जो एक दुर्घटना और उसकी गिरफ्तारी के साथ समाप्त होता है। वर्तमान में वापस जैसा
कि समीर ने अपनी कहानी सुनाना समाप्त कर दिया है। फैज अबू मालिक के एक नुमानी पुलिस वाले ने उसके संपर्क किया जो उसकी मदद करने का फैसला करते हैं, जिससे अधिकारी नमेता तमेना भी शामिल होते हैं। वे नमैन हवाई अड्डे के सीसीटीवी फुटेज देखते हैं जहां वे नरगिस को एक वैन में प्रवेश करते हुए देखते हैं जो एक अल्जीरियाई मंडलिंग समन्वयक इजटेक होने का खुलासा करता है। इजटेक आदेश देता है कि नरगिस को मार दिया जाए। फेज और नतेम तमेना एक जली हुई लाश के सामने आते हैं और सामने में मानते हैं कि ये नरगिस है। समीर उस पर अपना बड़े पंडित दिखाता है और खबर जाता है। उनके अंतिम संस्कार के बाद उन्हें भारत को मुआवजा और टिकट दिया जाता है। तमेना को पता चलता है कि नरगिस जीवित है और उन्हें जो लाश मिली थी वो एक अलग महिला की है। वो और फैज समीर को एक ये जानने से पहले खोजने की कोशिश करते हैं कि वो कभी फ्लाइट में नहीं चढ़े। अब बदला लेने के लिए समीर भेज बदलकर इजटेक के घर पहुंच जाता है। इजटेक से पहले दोनों हिंसक रूप से लड़ते हैं कि नरगिस जीवित है। फैज और तमेना आते हैं और फैज को इजटेक का सहयोग बताया जाता है। तमेना ने फैज को काफ़ी देर तक अपने बस में कर लिया ताकि समीर को बचने के लिए समय मिल सके। फैज ने तमेना को मार डाला और समीर को प्रेस कर दिया। एक आगामी पीछा इजटेक को मृत देता है। फैज अपने क्राइम पार्टनर इजटेक के बॉस से मिलता है जिसकी तस्वीर एक अंडरकवर पुलिस वाले ने खींची है। कमिश्नर द्वारा अपने विश्वासघात का खुलासा करने से पहले समीर को फैज द्वारा पकड़ लिया जाता है। समीर और फैज के बीच मुठभेड़ होती है जहां समीर फैज को हरा देते हैं। नरगिस और अन्य महिलाओं को मुक्त कर दिया जाता है और तमेना को एक राजकीय अंतिम संस्कार दिया जाता है। फैज अपने अपराधों के लिए फायरिंग के दस्ते सामने के रेगिस्तान के बीच एक फाउंड में जागता है। उन्हें उसे गोली मार दी। समीर और नरगिस उस्मान के साथ आखिरी मुलाकात करते हैं। विमान से भारत के लिए रवाना होने की तैयारी करते हैं। समीर उस्मान की भारत आने और अपने परिवार से मिलने के लिए आमंत्रित करते हैं क्योंकि वे जाने से पहले इसका अभिवादन करते हैं। फिल्म का प्रीमियर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 14 अगस्त 2020 को हुआ। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली और दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, जिसमें कलाकारों के प्रदर्शन, एक्शन दृश्य और तकनीकी पहलुओं को प्रशंसा की गई। ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार में एक सफलता थी। नौमान नाम के एक काल्पनिक मध्य पूर्व देश में पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए समीर चौधरी ये खुलासा करने के लिए सहमत है कि भारतीय दूतावास के एक अधिकारी मिश्र को उनकी गिरफ्तारी का कारण क्या है। समीर 2007 में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और व्यवसायी है जिन्हें नरगिस से प्यार हो जाता है और वो उसे शादी कर लेता है। 2008 में एक वित्तीय संकट ने उन दोनों को बेरोजगार कर दिया। 3 महीने बाद उन्हें एक विदेशी भर्ती कंपनी के कर्मचारी नदीम की मदद से नौमान में नौकरी मिल जाती है। नरगिस पहले चली जाती है और समीर अपने दस्तावेजों के आने का इंतजार करने के लिए रुक जाता है। उसके आने के बाद नरगिस घबराहट में समीर को बुलाता है। रोती है कि कोई उसका अपहरण कर रहा है। समीर नैमान की यात्रा करता है जहां उसकी मुलाकात एक टैक्सी ड्राइवर उस्मान हामिद अली सुराद से होती है। ये उस्मान को नदीम द्वारा दिए गए पते पर ले जाने के लिए कहता है लेकिन उसे पता चलता है कि ऐसा कोई पता नहीं। उस्मान समीर को पुलिस स्टेशन ले जाता है जहां उसे पता चलता है कि नदीम लापता हो गया है। अपने बेचैन स्वभाव के कारण पुलिस की मदद से बाहर खो गए समीर भारतीय दूतावास से संपर्क करता है। वो एक टेलीकॉम कंपनी के कर्मचारी के रूप में पोज देता है और उस व्यक्ति का पता प्राप्त करता है जिसके फ़ोन से नरगिस ने उससे संपर्क किया था और ये
सिराजी नाम का एक व्यक्ति निकला समीर और उस्मान को सिराजी के देहों व्यापार में शामिल होने के बारे में पता चला है। समीर नरगिस के तलाश में उस्मान के साथ वेश्यालय जाता है और उसे एक में पाता है, लेकिन मालिकों द्वारा उस पर हमला किया जाता है और वो हिंसक हो जाता है, पुरुषों को हत्या पर देता है। उसके बाद एक कार का पीछा करता है जो एक दुर्घटना और उसकी गिरफ्तारी के साथ समाप्त होता है। वर्तमान में वापस, जैसा कि समीर ने अपनी कहानी सुनाना समाप्त कर दिया है, फैज अबू मालिक उनके एक नुमानी पुलिस वाले ने उसके संपर्क किया जो उसकी मदद करने का फैसला करते हैं, जिससे अधिकारी नमेता तमेना भी शामिल होते हैं। वे नमेन हवाई अड्डे के सीसीटीवी फुटेज देखते हैं जहां वे नरगिस को एक वैन में प्रवेश करते हुए देखते हैं जो एक अल्जीरियाई मंडलिंग समन्वयक इजटेक होने का खुलासा करता है। इजटेक आदेश देता है कि नरगिस को मार दिया जाए। फेज और नतेम तमेना एक जली हुई लाश के सामने आते हैं और सामने में मानते हैं कि ये नरगिस है। समीर उस पर अपना पड़े पंडित दिखाता है और भी खबर जाता है। उनके अंतिम संस्कार के बाद उन्हें भारत को मुआवजा और टिकट दिया जाता है। तमेना को पता चलता है कि नरगिस जीवित है और उन्हें जो लाश मिली थी वो एक अलग महिला की है। वो और फैज समीर को एक ये जाने से पहले खोजने की कोशिश करते हैं कि वो कभी फ्लाइट में नहीं चढ़े। अब बदला लेने के लिए समीर भेज बदलकर इजटेक के घर पहुंच जाता है। इजटेक से पहले दोनों हिंसक रूप से लड़ते हैं कि नरगिस जीवित है। फेज और तमेना आते हैं और फेज को इजटेक का सहयोग बताया जाता है। तमेना ने फेज को काफ़ी देर तक अपने बस में कर लिया ताकि समीर को बचने के लिए समय मिल सके। फेज ने तमेना को मार डाला और समीर को फ्रेश कर दिया। एक आगामी पीछा इजटेक को मृत देता है। फेज अपने क्राइम पार्टनर इजटेक के बॉस से मिलता है जिसकी तस्वीर एक अंडरकवर पुलिस वाले ने खींची है। कमिश्नर द्वारा अपने विश्वासघात का खुलासा करने से पहले समीर को फेज द्वारा पकड़ लिया जाता है। समीर और फेज के बीच मुठभेड़ होती है जहां समीर फेज को हरा देते हैं। नरगिस और अन्य महिलाओं को मुक्त कर दिया जाता है और तमेना को एक राजकीय अंतिम संस्कार दिया जाता है। फेज अपने अपराधों के लिए फायरिंग दस्ते सामने के रेगिस्तान के बीच एक फाउंड में जागता है। उसे गोली मार दी। समीर और नरगिस उस्मान के साथ आखिरी मुलाकात करते हैं। विमान से भारत के लिए रवाना होने की तैयारी करते हैं। समीर उस्मान की भारत आने और अपने परिवार से मिलने के लिए आमंत्रित करते हैं क्योंकि वे जाने से पहले इसका अभिवादन करते हैं। फिल्म का प्रीमियर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 14 अगस्त 2020 को हुआ। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली और दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, जिसमें कलाकारों के प्रदर्शन, एक्शन दृश्य और तकनीकी पहलुओं को प्रशंसा की गई। ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार में एक सफलता थी। नौमान नाम के एक काल्पनिक पूर्व देश में पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए समीर चौधरी ये खुलासा करने के लिए सहमत है कि भारतीय दूतावास के एक अधिकारी मिश्र को उनकी गिरफ्तारी का कारण क्या है। समीर 2007 में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और व्यवसायी है जिन्हें नरगिस से प्यार हो जाता है और वो उसे शादी कर लेता है। 2008 में एक वित्तीय संकट ने उन दोनों को बेरोजगार कर दिया। 3 महीने बाद उन्हें एक विदेशी भर्ती कंपनी के कर्मचारी नदीम की मदद से नौमान में नौकरी मिल जाती है। नरगिस पहले चली जाती है और समीर अपने दस्तावेजों के आने का इंतजार करने के लिए रुक जाता है। उसके आने के बाद नरगिस घबराहट में समीर को बुलाता है। रोती है कि कोई उसका अपहरण कर रहा है। समीर नेमान की यात्रा करता है जहां उसकी मुलाकात एक टैक्सी ड्राइवर उस्मान हामिद अली
सुराद से होती है। ये उस्मान को नदीम द्वारा दिए गए पते पर ले जाने के लिए कहता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ऐसा कई पता नहीं। उस्मान अमीर को पुलिस स्टेशन ले जाता है, जहां उसे पता चलता है कि नदीम लापता हो गया है। अपने बेचैन स्वभाव के कारण पुलिस की मदद से बाहर हो गए समीर भारतीय दूतावास से संपर्क करता है। वो एक टेलीकॉम कंपनी के कर्मचारी के रूप में पोज देता है और उस व्यक्ति का पता प्राप्त करता है जिसके फ़ोन से नरगिस ने उससे संपर्क किया था, और ये सिराजी नाम का एक व्यक्ति निकला। समीर और उस्मान को सिराजी के देह व्यापार में शामिल होने के बारे में पता चला है। समीर नरगिस के तलाश में उस्मान के साथ वेश्यालय जाता है और उसे एक में पाता है, लेकिन मालिकों द्वारा उस पर हमला किया जाता है और वो हिंसक वो हो जाता है, पुरुषों को हत्या पर देता है। उसके बाद एक कार का पीछा करता है जो एक दुर्घटना और उसकी गिरफ्तारी के साथ समाप्त होता है। वर्तमान में वापस जैसा कि समीर ने अपनी कहानी सुनाना समाप्त कर दिया है, फैज अबू मालिक के एक नुमानी पुलिस वाले ने उसके संपर्क किया जो उसकी मदद करने का फैसला करते हैं, जिससे अधिकारी नमेता तमेना भी शामिल होते हैं। वे नमैन हवाई अड्डे के सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, जहां वे नरगिस को एक वैन में प्रवेश करते हुए देखते हैं जो एक अल्जीरियाई मंडलिंग समन्वयक इजटेक होने का खुलासा करता है। इजटेक आदेश देता है कि नरगिस को मार दिया जाए। फेज और नतेम तमेना एक जली हुई लाश के सामने आते हैं और सामने में मानते हैं कि ये नरगिस हैं। समीर उस पर अपना पड़े पंडित दिखाता है और खबर जाता है। उनके अंतिम संस्कार के बाद उन्हें भारत को मुआवजा और टिकट दिया जाता है। तमेना को पता चलता है कि नरगिस जीवित है और उन्हें जो लाश मिली थी वो एक अलग महिला की है। वो और फैज समीर को एक ये जानने से पहले खोजने की कोशिश करते हैं कि वो कभी फ्लाइट में नहीं चढ़े। अब बदला लेने के लिए समीर भेज बदलकर इजटेक के घर पहुंच जाता है। इजटेक से पहले दोनों हिंसक रूप से लड़ते हैं कि नरगिस जीवित है। फेज और तमेना आते हैं और फेज को इजटेक का सहयोग बताया जाता है। तमेना ने फेज को काफ़ी देर तक अपने बस में कर लिया ताकि समीर को बचने के लिए समय मिल सके। फेज ने तमेना को मार डाला और समीर को फ्रेश कर दिया। एक आगामी पीछा इजटेक को मृत कर देता है। फेज अपने क्राइम पार्टनर इजटेक के बॉस से मिलता है, जिसकी तस्वीर एक अंडरकवर पुलिस वाले ने खींची है। कमिश्नर द्वारा अपने विश्वासघात का खुलासा करने से पहले समीर को फेज द्वारा पकड़ लिया जाता है। समीर और फेज के बीच मुठभेड़ होती है, जहां समीर फेज को हरा देते हैं। नरगिस और अन्य महिलाओं को मुक्त कर दिया जाता है और तमेना को एक राजकीय अंतिम संस्कार दिया जाता है। फेज अपने अपराधों के लिए फायरिंग दस्ते सामने के रेगिस्तान के बीच एक फाउंड में जागता है, उन्हें उसे गोली मार दी। समीर और नरगिस उस्मान के साथ आखिरी मुलाकात करते हुए विमान से भारत के लिए रवाना होने की तैयारी करते हैं। समीर उस्मान की भारत आने और अपने परिवार से मिलने के लिए आमंत्रित करते हैं, क्योंकि वे जाने से पहले इसका अभिवादन करते हैं। फिल्म का प्रीमियर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 14 अगस्त 2020 को हुआ। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली और दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, जिसमें कलाकारों के प्रदर्शन, एक्शन दृश्य और तकनीकी पहलुओं को प्रशंसा की गई। ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार में एक सफलता थी। नौमान नाम के एक काल्पनिक पूर्व देश में पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए समीर चौधरी ये खुलासा करने के लिए सहमत है कि भारतीय दूतावास के एक अधिकारी मिश्र को उनकी गिरफ्तारी का कारण क्या है। समीर 2007 में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और व्यवसायी है, जिन्हें नरगिस से प्यार हो जाता है और वो उसे शादी कर लेता है। 2008 में एक वित्तीय संकट ने उन दोनों को बेरोजगार कर दिया। 3 महीने बाद उन्हें एक
विदेशी भर्ती कंपनी के कर्मचारी नदीम की मदद से नौमान में नौकरी मिल जाती है। नरगिस पहले चली जाती है और समीर अपने दस्तावेजों के आने का इंतजार करने के लिए रुक जाता है। उसके आने के बाद नरगिस घबराहट में समीर को बुलाता है। रोनी रोती है कि कोई उसका अपहरण कर रहा है। समीर नैमान की यात्रा करता है जहां उसकी मुलाकात एक टैक्सी ड्राइवर उस्मान हामिद अली सुराद से होती है। ये उस्मान को नदीम द्वारा दिए गए पते पर ले जाने के लिए कहता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ऐसा कोई पता नहीं। उस्मान समीर को पुलिस स्टेशन ले जाता है जहां उसे पता चलता है कि नदीम लापता हो गया है। अपने बेचैन स्वभाव के कारण पुलिस की मदद से बाहर हो गए समीर भारतीय दूतावास से संपर्क करता है। वो एक टेलीकॉम कंपनी के कर्मचारी के रूप में पोज देता है और उस व्यक्ति का पता प्राप्त करता है जिसके फ़ोन से नरगिस ने उससे संपर्क किया था, और ये सिराजी नाम का एक व्यक्ति निकला। समीर और उस्मान को सिराजी के देह व्यापार में शामिल होने के बारे में पता चला है। समीर नरगिस के तलाश में उस्मान के साथ वेश्यालय जाता है और उसे एक में पाता है, लेकिन मालिकों द्वारा उस पर हमला किया जाता है और वो हिंसक हो जाता है। पुरुषों को हत्या पर देता है। उसके बाद एक कार का पीछा करता है जो एक दुर्घटना और उसकी गिरफ्तारी के साथ समाप्त होता है। वर्तमान में वापस जैसा कि समीर ने अपनी कहानी सुनाना समाप्त कर दिया है, फैज अबू मालिक के एक नुमानी पुलिस वाले ने उसके संपर्क किया जो उसकी मदद करने का फैसला करते हैं, जिससे अधिकारी नमेता तमेना भी शामिल होते हैं। वे नमैन हवाई अड्डे के सीसीटीवी फुटेज देखते हैं जहां वे नरगिस को एक वैन में प्रवेश करते हुए देखते हैं जो एक अल्जीरियाई मंडलिंग समन्वयक इजटेक होने का खुलासा करता है। इजटेक आदेश देता है कि नरगिस को मार दिया जाए। फेज और नतेम तमेना एक जली हुई लाश के सामने आते हैं और सामने में मानते हैं कि ये नरगिस है। समीर उस पर अपना पड़े पंडित दिखाता है और खबर जाता है। उनके अंतिम संस्कार के बाद उन्हें भारत को मुआवजा और टिकट दिया जाता है। तमेना को पता चलता है कि नरगिस जीवित है और उन्हें जो लाश मिली थी वो एक अलग महिला की है। वो और फैज समीर को एक ये जानने से पहले खोजने की कोशिश करते हैं कि वो कभी फ्लाइट में नहीं चढ़े। अब बदला लेने के लिए समीर भेज बदलकर इजटेक के घर पहुंच जाता है। इजटेक से पहले दोनों हिंसक रूप से लड़ते हैं कि नरगिस जीवित है। फेज और तमेना आते हैं और फेज को इजटेक का सहयोग बताया जाता है। तमेना ने फेज को काफ़ी देर तक अपने बस में कर लिया ताकि समीर को बचने के लिए समय मिल सके। फेज ने तमेना को मार डाला और समीर को फ्रेश कर दिया। एक आगामी पीछा इजटेक को मृत कर देता है। फेज अपने क्राइम पार्टनर इजटेक के बॉस से मिलता है जिसकी तस्वीर एक अंडरकवर पुलिस वाले ने खींची है। कमिश्नर द्वारा अपने विश्वासघात का खुलासा करने से पहले समीर को फेज द्वारा पकड़ लिया जाता है। समीर और फेज के बीच मुठभेड़ होती है जहां समीर फेज को हरा देते हैं। नरगिस और अन्य महिलाओं को मुक्त कर दिया जाता है और तमेना को एक राजकीय अंतिम संस्कार दिया जाता है। फेज अपने अपराधों के लिए फायरिंग दस्ते सामने के रेगिस्तान के बीच एक फाउंड में जागता है। उन्हें उसे गोली मार दी। समीर और नरगिस उस्मान के साथ आखिरी मुलाकात करते हुए विमान से भारत के लिए रवाना होने की तैयारी करते हैं। समीर उस्मान की भारत आने और अपने परिवार से मिलने के लिए आमंत्रित करते हैं क्योंकि वे जाने से पहले इसका अभिभावत करते हैं। फिल्म का प्रीमियर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 14 अगस्त 2020 को हुआ। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली और दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, जिसमें कलाकारों के प्रदर्शन, एक्शन दृश्य और तकनीकी पहलुओं को प्रशंसा की गई। ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार में एक सफलता थी। नौमान नाम के एक काल्पनिक मध्यम वर्ग मध्य
पूर्व देश में पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए समीर चौधरी ये खुलासा करने के लिए सहमत है कि भारतीय दूतावास के एक अधिकारी मिश्र को उनकी गिरफ्तारी का कारण क्या है। समीर 2007 में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और व्यवसायी है जिन्हें नरगिस से प्यार हो जाता है और वो उसे शादी कर लेता है। 2008 में एक वित्तीय संकट ने उन दोनों को बेरोजगार कर दिया। 3 महीने बाद उन्हें एक विदेशी भर्ती कंपनी के कर्मचारी नदीम की मदद से नोमान में नौकरी मिल जाती है। नरगिस पहले चली जाती है और समीर अपने दस्तावेजों के आने का इंतजार करने के लिए रुक जाता है। उसके आने के बाद नरगिस घबराहट में समीर को बुलाता है। रोती है कि कोई उसका अपहरण कर रहा है। समीर नेमान की यात्रा करता है जहां उसकी मुलाकात एक टैक्सी ड्राइवर सम्मान उस्मान हामिद अली सुराद से होती है। ये उस्मान को नदीम द्वारा दिए गए पते पर ले जाने के लिए कहता है लेकिन उसे पता चलता है कि ऐसा कई पता नहीं। उस्मान अमीर को पुलिस स्टेशन ले जाता है जहां उसे पता चलता है कि नदीम लापता हो गया है। अपने बेचैन स्वभाव के कारण पुलिस की मदद से बाहर हो गए समीर भारतीय दूतावास से संपर्क करता है। वो एक टेलीकॉम कंपनी के कर्मचारी के रूप में पोज देता है और उस व्यक्ति का पता प्राप्त करता है जिसके फ़ोन से नरगिस ने उससे संपर्क किया था और ये सिराजी नाम का एक व्यक्ति निकला। समीर और उस्मान को सिराजी के देह व्यापार में शामिल होने के बारे में पता चला है। समीर नरगिस के तलाश में उस्मान के साथ वेश्यालय जाता है और उसे एक में पाता है लेकिन मालिकों द्वारा उस पर हमला किया जाता है और वो हिंसक वो हो जाता है। पुरुषों को हत्या पर देता है। उसके बाद एक कार का पीछा करता है जो एक दुर्घटना और उसकी गिरफ्तारी के साथ समाप्त होता है। वर्तमान में वापस जैसा कि समीर ने अपनी कहानी सुनाना समाप्त कर दिया है। फैज अबू मालिक के एक नुमानी पुलिस वाले ने उसके संपर्क किया जो उसकी मदद करने का फैसला करते हैं जिससे अधिकारी नमेता तमेना भी शामिल होते हैं। वे नमैन हवाई अड्डे के सीसीटीवी फुटेज देखते हैं जहां वे नरगिस को एक वैन में प्रवेश करते हुए देखते हैं जो एक अल्जीरियाई मंडलिंग समन्वयक इजटेक होने का खुलासा करता है। इजटेक आदेश देता है कि नरगिस को मार दिया जाए। फेज और नतेम तमेना एक जली हुई लाश के सामने आते हैं और सामने में मानते हैं कि ये नरगिस है। समीर उस पर अपना बड़े पंडित दिखाता है और खबर जाता है। उनके अंतिम संस्कार के बाद उन्हें भारत को मुआवजा और टिकट दिया जाता है। तमेना को पता चलता है कि नरगिस जीवित है और उन्हें जो लाश मिली थी वो एक अलग महिला की है। वो और फैज समीर को एक ये जानने से पहले खोजने की कोशिश करते हैं कि वो कभी फ्लाइट में नहीं चले। अब बदला लेने के लिए समीर भेज बदलकर इजटेक के घर पहुंच जाता है। इजटेक से पहले दोनों हिंसक रूप से लड़ते हैं कि नरगिस जीवित है। फेज और तमेना आते हैं और फेज को इजटेक का सहयोग बताया जाता है। तमेना ने फेज को काफ़ी देर तक अपने बस में कर लिया ताकि समीर को बचने के लिए समय मिल सके। फेज ने तमेना को मार डाला और समीर को प्रेस कर दिया। एक आगामी पीछा इजटेक को मृत देता है। फेज अपने क्राइम पार्टनर इजटेक के बॉस से मिलता है जिसकी तस्वीर एक अंडरकवर पुलिस वाले ने खींची है। कमिश्नर द्वारा अपने विश्वासघात का खुलासा करने से पहले समीर को फेज द्वारा पकड़ लिया जाता है। समीर और फेज के बीच मुठभेड़ होती है जहां समीर फेज को हरा देते हैं। नरगिस और अन्य महिलाओं को मुक्त कर दिया जाता है और तमेना को एक राजकीय अंतिम संस्कार दिया जाता है। फेज अपने अपराधों के लिए फायरिंग दस्ते सामने के रेगिस्तान के बीच एक फाउंड में जागता है। उन्हें उसे गोली मार दी। समीर और नरगिस उस्मान के साथ आखिरी मुलाकात करते हुए विमान से भारत के लिए रवाना होने की तैयारी करते हैं। समीर उस्मान की भारत
आने और अपने परिवार से मिलने के लिए आमंत्रित करते हैं, क्योंकि वे जाने से पहले इसका अभिवादन करते हैं। फिल्म का प्रीमियर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 14 अगस्त 2020 को हुआ। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली और दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, जिसमें कलाकारों के प्रदर्शन, एक्शन दृश्य और तकनीकी पहलुओं को प्रशंसा की गई। ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार में एक सफलता थी। नौमान नाम के एक काल्पनिक मध्य पूर्व देश में पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए समीर चौधरी ये खुलासा करने के लिए सहमत है कि भारतीय दूतावास के एक अधिकारी मिश्र को उनकी गिरफ्तारी का कारण क्या है। समीर 2007 में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और व्यवसायी है, जिन्हें नरगिस से प्यार हो जाता है और वो उसे शादी कर लेता है। 2008 में एक वित्तीय संकट ने उन दोनों को बेरोजगार कर दिया। 3 महीने बाद उन्हें एक विदेशी भर्ती कंपनी के कर्मचारी नदीम की मदद से नौमान में नौकरी मिल जाती है। नरगिस पहले चली जाती है और समीर अपने दस्तावेजों के आने का इंतजार करने के लिए रुक जाता है। उसके आने के बाद नरगिस घबराहट में समीर को बुलाता है। रोती है कि कोई उसका अपहरण कर रहा है। समीर नैमान की यात्रा करता है, जहां उसकी मुलाकात एक टैक्सी ड्राइवर उस्मान हामिद अली सुराद से होती है। ये उस्मान को नदीम द्वारा दिए गए पते पर ले जाने के लिए कहता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ऐसा कई पता नहीं। उस्मान समीर को पुलिस स्टेशन ले जाता है, जहां उसे पता चलता है कि नदीम लापता हो गया है। अपने बेचैन स्वभाव के कारण पुलिस की मदद से बाहर हो गए समीर भारतीय दूतावास से संपर्क करता है। वो एक टेलीकॉम कंपनी के कर्मचारी के रूप में पोज देता है और उस व्यक्ति का पता प्राप्त करता है, जिसके फोन से नरगिस ने उससे संपर्क किया था और ये सिराजी नाम का एक व्यक्ति निकला। समीर और उस्मान को सिराजी के देहो व्यापार में शामिल होने के बारे में पता चला है। समीर नरगिस के तलाश में उस्मान के साथ वेश्यालय जाता है और उसे एक में पाता है, लेकिन मालिकों द्वारा उस पर हमला किया जाता है और वो हिंसक हो जाता है, पुरुषों को हत्या कर देता है। उसके बाद एक कार का पीछा करता है, जो एक दुर्घटना और उसकी गिरफ्तारी के साथ समाप्त होता है। वर्तमान में वापस जैसा कि समीर ने अपनी कहानी सुनाना समाप्त कर दिया है। फैज अबू मालिक के एक नुमानी पुलिस वाले ने उसके संपर्क किया, जो उसकी मदद करने का फैसला करते हैं, जिससे अधिकारी नमेता तमेना भी शामिल होते हैं। वे नमैन हवाई अड्डे के सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, जहां वे नरगिस को एक वैन में प्रवेश करते हुए देखते हैं, जो एक अल्जीरियाई मंडलिंग समन्वयक इजटेक होने का खुलासा करता है। इजटेक आदेश देता है कि नरगिस को मार दिया जाए। फेज और नतेम तमेना एक जली हुई लाश के सामने आते हैं और मानते हैं कि ये नरगिस है। समीर उस पर अपना पंडित दिखाता है और खबर जाता है। उनके अंतिम संस्कार के बाद उन्हें भारत को मुआवजा और टिकट दिया जाता है। तमेना को पता चलता है कि नरगिस जीवित है और उन्हें जो लाश मिली थी वो एक अलग महिला की है। वो और फैज समीर को एक ये जाने से पहले खोजने की कोशिश करते हैं कि वो कभी फ्लाइट में नहीं चढ़े। अब बदला लेने के लिए समीर भेज बदलकर इजटेक के घर पहुंच जाता है। इजटेक से पहले दोनों हिंसक रूप से लड़ते हैं कि नरगिस जीवित है। फेज और तमेना आते हैं और फेज को इजटेक का सहयोग बताया जाता है। तमेना ने फेज को काफ़ी देर तक अपने बस में कर लिया ताकि समीर को बचने के लिए समय मिल सके। फेज ने तमेना को मार डाला और समीर को प्रेस कर दिया। एक आगामी पीछा इजटेक को मृत कर देना देता है। फेज अपने क्राइम पार्टनर इजटेक के बॉस
से मिलता है, जिसकी तस्वीर एक अंडरकवर पुलिस वाले ने खींची है। कमिश्नर द्वारा अपने विश्वासघात का खुलासा करने से पहले समीर को फेज द्वारा पकड़ लिया जाता है। समीर और फेज के बीच मुठभेड़ होती है, जहां समीर फेज को हरा देते हैं। नरगिस और अन्य महिलाओं को मुक्त कर दिया जाता है और तमेना को एक राजकीय अंतिम संस्कार दिया जाता है। फेज अपने अपराधों के लिए फायरिंग दस्ते सामने के रेगिस्तान के बीच एक फाउंड में जागता है, उन्हें उसे गोली मार दी। समीर और नरगिस उस्मान के साथ आखिरी मुलाकात करते हुए विमान से भारत के लिए रवाना होने की तैयारी करते हैं। समीर उस्मान की भारत आने और अपने परिवार से मिलने के लिए आमंत्रित करते हैं, क्योंकि वे जाने से पहले इसका अभिभावत करते हैं। फिल्म का प्रीमियर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 14 अगस्त 2020 को हुआ। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली और दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, जिसमें कलाकारों के प्रदर्शन, एक्शन दृश्य और तकनीकी पहलुओं को प्रशंसा की गई। ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार में एक सफलता थी। नौमान नाम के एक काल्पनिक पूर्व देश में पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए समीर चौधरी ये खुलासा करने के लिए सहमत है कि भारतीय दूतावास के एक अधिकारी मिश्र को उनकी गिरफ्तारी का कारण क्या है। समीर 2007 में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और व्यवसायी है, जिन्हें नरगिस से प्यार हो जाता है और वो उसे शादी कर लेता है। 2008 में एक वित्तीय संकट ने उन दोनों को बेरोजगार कर दिया। 3 महीने बाद उन्हें एक विदेशी भर्ती कंपनी के कर्मचारी नदीम की मदद से नौमान में नौकरी मिल जाती है। नरगिस पहले चली जाती है और समीर अपने दस्तावेजों के आने का इंतजार करने के लिए रुक जाता है। उसके आने के बाद नरगिस घबराहट में समीर को बुलाता है, रोती है कि कोई उसका अपहरण कर रहा है। समीर नेमान की यात्रा करता है, जहां उसकी मुलाकात एक टैक्सी ड्राइवर सम्मान उस्मान हामिद अली सुराद से होती है। ये उस्मान को नदीम द्वारा दिए गए पते पर ले जाने के लिए कहता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ऐसा कई पता नहीं। उस्मान समीर को पुलिस स्टेशन ले जाता है, जहां उसे पता चलता है कि नदीम लापता हो गया है। अपने बेचैन स्वभाव के कारण पुलिस की मदद से बाहर हो गए समीर भारतीय दूतावास से संपर्क करता है। वो एक टेलीकॉम कंपनी के कर्मचारी के रूप में पोज देता है और उस व्यक्ति का पता प्राप्त करता है, जिसके फ़ोन से नरगिस ने उससे संपर्क किया था, और ये सिराजी नाम का एक व्यक्ति निकला। समीर और उस्मान को सिराजी के देह व्यापार में शामिल होने के बारे में पता चला है। समीर नरगिस के तलाश में उस्मान के साथ वेश्यालय जाता है और उसे एक में पाता है, लेकिन मालिकों द्वारा उस पर हमला किया जाता है और वो हिंसक वो हो जाता है, पुरुषों को तो हत्या पर देता है। उसके बाद एक कार का पीछा करता है, जो एक दुर्घटना और उसकी गिरफ्तारी के साथ समाप्त होता है। वर्तमान में वापस, जैसा कि समीर ने अपनी कहानी सुनाना समाप्त कर दिया है, फैज अबू मालिक के एक नुमानी पुलिस वाले ने उसके संपर्क किया, जो उसकी मदद करने का फैसला करते हैं, जिससे अधिकारी नमेता तमेना भी शामिल होते हैं। वे नमैन हवाई अड्डे के सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, जहां वे नरगिस को एक वैन में प्रवेश करते हुए देखते हैं, जो एक अल्जीरियाई मंडलिंग समन्वयक इजटेक होने का खुलासा करता है। इजटेक आदेश देता है कि नरगिस को मार दिया जाए। फेज और नतेम तमेना एक जली हुई लाश के सामने आते हैं और सामने में मानते हैं कि ये नरगिस हैं। समीर उस पर अपना पंडित दिखाता है और खबर जाता है। उनके अंतिम संस्कार के बाद उन्हें भारत को मुआवजा और टिकट दिया जाता है। तमेना को पता चलता है कि नरगिस जीवित है और उन्हें जो लाश मिली थी वो एक अलग महिला की है। वो और फैज समीर को एक ये जाने से पहले खोजने की कोशिश करते हैं कि वो कभी फ्लाइट में नहीं चले। अब बदला लेने के लिए समीर भेज बदलकर इस्टेक के घर पहुंच जाता है। इस्टेक से पहले दोनों हिंसक रूप से लड़ते हैं कि नरगिस जीवित है। फेज और नमेना
तमन्ना आते हैं और फेज को इज्डे का सहयोग बताया जाता है। तमन्ना ने फेज को काफ़ी देर तक अपने बस में कर लिया ताकि समीर को बचने के लिए समय मिल सके। फेज ने तमन्ना को मार डाला और समीर को फेज को कर दिया। एक आगामी पीछा इज्टेक को मृत कर देता है। फेज अपने क्राइम पार्टनर इज्टेक के बॉस से मिलता है जिसकी तस्वीर एक अंडरकवर पुलिस वाले ने खींची है। कमिश्नर द्वारा अपने विश्वासघात का खुलासा करने से पहले समीर को फेज द्वारा पकड़ लिया जाता है। समीर और फेज के बीच मुठभेड़ होती है जहां समीर फेज को हरा देते हैं। नरगिस और अन्य महिलाओं को मुक्त कर दिया जाता है और तमन्ना को एक राजकीय अंतिम संस्कार दिया जाता है। फेज अपने अपराधों के लिए फायरिंग दस्ते सामने के रेगिस्तान के बीच एक फाउंड में जागता है। उन्हें उसे गोली मार दी। समीर और नरगिस उस्मान के साथ आखिरी मुलाकात करते हुए विमान से भारत के लिए रवाना होने की तैयारी करते हैं। समीर उस्मान की भारत आने और अपने परिवार से मिलने के लिए आमंत्रित करते हैं क्योंकि वे जाने से पहले इसका अभिवादन करते हैं। फिल्म का प्रीमियर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 14 अगस्त 2020 को हुआ। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली और दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली जिसमें कलाकारों के प्रदर्शन, एक्शन दृश्य और तकनीकी पहलुओं को प्रशंसा की गई। ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार में एक सफलता थी। नौमान नाम के एक काल्पनिक पूर्व देश में पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए समीर चौधरी ये खुलासा करने के लिए सहमत है कि भारतीय दूतावास के एक अधिकारी मिश्र को उनकी गिरफ्तारी का कारण क्या है। समीर 2007 में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और व्यवसायी है जिन्हें नरगिस से प्यार हो जाता है और वो उसे शादी कर लेता है। 2008 में एक वित्तीय संकट ने उन दोनों को बेरोजगार कर दिया। 3 महीने बाद उन्हें एक विदेशी भर्ती कंपनी के कर्मचारी नदीम की मदद से नौमान में नौकरी मिल जाती है। नरगिस पहले चली जाती है और समीर अपने दस्तावेजों के आने का इंतजार करने के लिए रुक जाता है। उसके आने के बाद नरगिस घबराहट में समीर को बुलाता है। रोती है कि कोई उसका अपहरण कर रहा है। समीर नेमान की यात्रा करता है जहां उसकी मुलाकात एक टैक्सी ड्राइवर उस्मान हामिद अली सुराद से होती है। ये उस्मान को नदीम द्वारा दिए गए पते पर ले जाने के लिए कहता है लेकिन उसे पता चलता है कि ऐसा कोई पता नहीं। उस्मान समीर को पुलिस स्टेशन ले जाता है जहां उसे पता चलता है कि नदीम लापता हो गया है। अपने बेचैन स्वभाव के कारण पुलिस की मदद से बाहर खो गए समीर भारतीय दूतावास से संपर्क करता है। वो एक टेलीकॉम कंपनी के कर्मचारी के रूप में पोज देता है और उस व्यक्ति का पता प्राप्त करता है जिसके फ़ोन से नरगिस ने उससे संपर्क किया था और ये सिराजी नाम का एक व्यक्ति निकला। समीर और उस्मान को सिराजी के देह व्यापार में शामिल होने के बारे में पता चला है। समीर नरगिस के तलाश में उस्मान के साथ वेश्यालय जाता है और उसे एक में पाता है लेकिन मालिकों द्वारा उस पर हमला किया जाता है और वो हिंसक हो जाता है। पुरुषों को हत्या पर देता है। उसके बाद एक कार का पीछा करता है जो एक दुर्घटना और उसकी गिरफ्तारी के साथ समाप्त होता है। वर्तमान में वापस जैसा कि समीर ने अपनी कहानी सुनाना समाप्त कर दिया है। फैज अबू मालिक के एक नुमानी पुलिस वाले ने उसके संपर्क किया जो उसकी मदद करने का फैसला करते हैं जिससे अधिकारी नमेता तमन्ना भी शामिल होते हैं। वे नमन हवाई अड्डे के सीसीटीवी फुटेज देखते हैं जहां वे नरगिस को एक वैन में प्रवेश करते हुए देखते हैं जो एक अल्जीरियाई मंडलिंग समन्वयक इज्टेक होने का खुलासा करता है। इज्टेक आदेश देता है कि नरगिस को मार दिया जाए। फेज और नतेम तमन्ना एक जली हुई लाश के सामने आते हैं और सामने में मानते हैं कि ये नरगिस है। समीर उसे पर अपना पड़े पंडित दिखाता है और खबर जाता है। उनके अंतिम संस्कार के बाद उन्हें भारत को मुआवजा और टिकट दिया जाता है। दमेता
तमेना को पता चलता है कि नरगिस जीवित है और उन्हें जो लाश मिली थी वो एक अलग महिला की है। वो और फैज समीर को एक ये जानने के जाने से पहले खोजने की कोशिश करते हैं कि वो कभी फ्लाइट में नहीं चढ़े। अब बदला लेने के लिए समीर भेज बदलकर इजटेक के घर पहुंच जाता है। इजटेक से पहले दोनों हिंसक रूप से लड़ते हैं कि नरगिस जीवित है। फैज और तमेना आते हैं और फैज को इजटेक का सहयोग बताया जाता है। तमेना ने फैज को काफ़ी देर तक अपने बस में कर लिया ताकि समीर को बचने के लिए समय मिल सके। फैज ने तमेना को मार डाला और समीर को प्रेस कर दिया। एक आगामी पीछा इजटेक को मृत कर देता है। फैज अपने क्राइम पार्टनर इजटेक के बॉस से मिलता है जिसकी तस्वीर एक अंडरकवर पुलिस वाले ने खींची है। कमिश्नर द्वारा अपने विश्वासघात का खुलासा करने से पहले समीर को फैज द्वारा पकड़ लिया जाता है। समीर और फैज के बीच मुठभेड़ होती है जहां समीर फैज को हरा देते हैं। नरगिस और अन्य महिलाओं को मुक्त कर दिया जाता है और तमेना को एक राजकीय अंतिम संस्कार दिया जाता है। फैज अपने अपराधों के लिए फायरिंग दस्ते सामने के रेगिस्तान के बीच एक फाउंड में जागता है। उन्हें उसे गोली मार दी। समीर और नरगिस उस्मान के साथ आखिरी मुलाकात करते हुए विमान से भारत के लिए रवाना होने की तैयारी करते हैं। समीर उस्मान की भारत आने और अपने परिवार से मिलने के लिए आमंत्रित करते हैं क्योंकि वे जाने से पहले इसका अभिवादन करते हैं। फिल्म का प्रीमियर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 14 अगस्त 2020 को हुआ। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली और दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली जिसमें कलाकारों के प्रदर्शन, एक्शन दृश्य और तकनीकी पहलुओं को प्रशंसा की गई। ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार में एक सफलता थी। नौमान नाम के एक काल्पनिक पूर्व देश में पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए समीर चौधरी ये खुलासा करने के लिए सहमत है कि भारतीय दूतावास के एक अधिकारी मिश्र को उनकी गिरफ्तारी का कारण क्या है। समीर 2007 में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और व्यवसायी है जिन्हें नरगिस से प्यार हो जाता है और वो उसे शादी कर लेता है। 2008 में एक वित्तीय संकट ने उन दोनों को बेरोजगार कर दिया। 3 महीने बाद उन्हें एक विदेशी भर्ती कंपनी के कर्मचारी नदीम की मदद से नौमान में नौकरी मिल जाती है। नरगिस पहले चली जाती है और समीर अपने दस्तावेजों के आने का इंतजार करने के लिए रुक जाता है। उसके आने के बाद नरगिस घबराहट में समीर को बुलाता है। रोती है कि कोई उसका अपहरण कर रहा है। समीर नेमान की यात्रा करता है जहां उसकी मुलाकात एक टैक्सी ड्राइवर उस्मान हामिद अली सुराद से होती है। ये उस्मान को नदीम द्वारा दिए गए पते पर ले जाने के लिए कहता है लेकिन उसे पता चलता है कि ऐसा कोई पता नहीं। उस्मान समीर को पुलिस स्टेशन ले जाता है जहां उसे पता चलता है कि नदीम लापता हो गया है। अपने बेचैन स्वभाव के कारण पुलिस की मदद से बाहर खो गए समीर भारतीय दूतावास से संपर्क करता है। वो एक टेलीकॉम कंपनी के कर्मचारी के रूप में पोज देता है और उस व्यक्ति का पता प्राप्त करता है जिसके फ़ोन से नरगिस ने उससे संपर्क किया था और ये सिराजी नाम का एक व्यक्ति निकला। समीर और उस्मान को सिराजी के देह व्यापार में शामिल होने के बारे में पता चला है। समीर नरगिस के तलाश में उस्मान के साथ वेश्यालय जाता है और उसे एक में पाता है लेकिन मालिकों द्वारा उस पर हमला किया जाता है और वो हिंसक हो जाता है। पुरुषों को हत्या पर देता है। उसके बाद एक कार का पीछा करता है जो एक दुर्घटना और उसकी गिरफ्तारी के साथ समाप्त होता है। वर्तमान में वापस जैसा कि समीर ने अपनी कहानी सुनाना समाप्त कर दिया है। फैज अबू मालिक के एक नुमानी पुलिस वाले ने उसके संपर्क किया जो उसकी मदद करने का फैसला करते हैं जिससे अधिकारी नमेता तमेना भी शामिल होते हैं। वे नमैन हवाई अड्डे के सीसीटीवी फुटेज देखते हैं जहां वे नरगिस को एक वैन में प्रवेश करते हुए देखते हैं जो एक अल्जीरियन अल्जीरियाई
मंडलिंग समन्वयक इजटेक होने का खुलासा करता है। इजटेक आदेश देता है कि नरगिस को मार दिया जाए। ए फेज और नतेम तमेना एक जली हुई लाश के सामने आते हैं और सामने में मानते हैं कि ये नरगिस है। समीर उस पर अपना पड़े पंडित दिखाता है और खबर जाता है। उनके अंतिम संस्कार के बाद उन्हें भारत को मुआवजा और टिकट दिया जाता है। तमेना को पता चलता है कि नरगिस जीवित है और उन्हें जो लाश मिली थी वो एक अलग महिला की है। वो और फैज समीर को एक ये जानने से पहले खोजने की कोशिश करते हैं कि वो कभी फ्लाइट में नहीं चढ़े। अब बदला लेने के लिए समीर भेज बदलकर इजटेक के घर पहुंच जाता है। इजटेक से पहले दोनों हिंसक रूप से लड़ते हैं कि नरगिस जीवित है। फेज और तमेना आते हैं और फेज को इजटेक का सहयोग बताया जाता है। तमेना ने फेज को काफ़ी देर तक अपने बस में कर लिया ताकि समीर को बचने के लिए समय मिल सके। फेज ने तमेना को